ल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा सबसे पहले तो ये बताइए मैं सॉफ्टवेयर में क्लियरली दिख रहा हूँ पार्थ मैं सॉफ्टवेयर में आ चुका हूँ बराबर यस और नो ठीक है <coughs> मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए बेटा जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड है वो रिस्पॉन्स कीजिए यस 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 मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को यस बेटा गुड मॉर्निंग बेटा आवाज क्लियर आ रही है सभी को प्लीज रिस्पोंड ऑडियस गुड ना चलो बढ़िया अब हो जाएगा बेटा सॉफ्टवेयर में हो जाएगा ये uh, सॉफ्टवेयर yes, में एक बार ट्राई करो फिर से क्लोज करके सॉफ्टवेयर में फिर से क्लोज करके ट्राई करो हो जाएगा सॉफ्टवेयर क्लोज कर दो और फिर से उसको ऐप को क्लोज करके फिर से स्टार्ट करो हो जाएगा बेटा सॉफ्टवेयर में अभी 18 लोग ज्वाइन हो गए हैं और जिसको भी सॉफ्टवेयर में टेक्निकल प्रॉब्लम जा रहा है सॉल्व हो जाएगा थैंक यू तन्मय थैंक यू बेटा बस एक बात आपको ये कहूंगा कि आ, एक पेशेंस रखना लाइफ में जितना आप ये आ, मंत्रा फॉलो करोगे उतना आप बहुत आगे जाओगे बहुत आगे जाओगे चलो ठीक है वेल well, तो मैं सबको ये बता दूं कि यहाँ पे अभी हम दोनों इस पर कनेक्टेड है यूट्यूब और यहाँ सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट यहाँ सॉफ्टवेयर में जिसको भी आज टेक्निकल इश्यू जा रहा है आ, दस बजे के बाद मेरी पूरी टीम रहेगी आपको पूरा हेल्प करेगी और आज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा सो डोंट वरी फॉर दैट ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा कि जो सॉफ्टवेयर में उसको कनेक्शन के लिए प्रॉब्लम जा रहा है ठीक है तो आज हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा सेकंड अभी ऐसा है कि आप जो है लाइव स्ट्रीमिंग में, में मेरे साथ कर सकते हो जो मॉर्निंग में आप लाइव स्ट्रीमिंग में, में मेरे साथ आओगे और वही लेक्चर जो लाइव स्ट्रीमिंग में आज आप सॉफ्टवेयर में मुझसे करोगे वही लेक्चर सॉफ्टवेयर में सेव रहेगा जहाँ तक रिकॉर्डेड लेक्चर जो सेव रहेगा सॉफ्टवेयर में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो आपको कभी भी आप तो 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 ये जो आपकी वैलिडिटी है और आपका जो टाइम पीरियड दिया है तब तो तो तक वो पूरा वैलिड रहेगा आप उसको देख सकते हो बाद में भी देख सकते हो जैसे मैंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग तो आपको एडिशनल फैसिलिटी है सॉफ्टवेयर में वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप बाद में भी देख सकते हो और उसमें वो वॉच करने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि वो रिकॉर्डेड सेशन है दूसरा लाइव स्ट्रीमिंग में आई होप बहुत से स्टूडेंट कंफर्टेबल हो गए हैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में मैं अभी भी ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर छोड़ के यूट्यूब पे कनेक्ट हुए हैं ओके okay, तो जो स्टूडेंट जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर छोड़ के यूट्यूब पे कनेक्ट हुए हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो वापस से यहाँ यूट्यूब पे कनेक्ट सॉफ्टवेयर में कनेक्ट हो जाए सॉफ्टवेयर में अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं तो एटलीस्ट आज उन हमारी ट्यूनिंग मैच हो जाएगी एक डेमो मैच हो जाएगा या तो, एक डेमो हमारा हो जाएगा सो so दैट कि आपको आगे प्रॉब्लम ना जाए ठीक है वो हो जाएगा बेटा ठीक थोड़ा डिस्कशन को मैं भी देख रहा हूँ कि थोड़ा लैगिंग आ रहा है कल तो हमारा बिल्कुल भी लैगिंग नहीं था आज थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी से लैगिंग आ रहा है चलो ठीक है वो हो जाएगा ठीक ओके बेटा तो मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा कंटिन्यूटी के लिए आप लैपटॉप में जो है सॉफ्टवेयर को चालू रखो और आ, किसी को अगर यहाँ लैगिंग आ रहा होगा तो वो स्टूडेंट जो है यूट्यूब पे मोबाइल में भी यहाँ पे कनेक्टेड रहे पर लैपटॉप में चालू रहने दें एक बार थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है अदरवाइज मैं यूट्यूब पे अवेलेबल ही हूँ आप मुझे यूट्यूब पे देख ही सकते हैं ठीक है थीके? तो कोई बात नहीं ना जिसको कोर्स असाइन नहीं हुआ है आज हो जाएगा आज यूट्यूब पे आप देख लो आज आपको कोर्स असाइन हो जाएगा ओके डोंट वरी फॉर दैट जिसको भी नहीं हुआ है कोर्स असाइन वो हो जाएगा लाइव सेशन का ऑप्शन है ना बेटा उसमें यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहूंगा कि जो ऐप आप आपने आपके लॉग इन यानी आपने जो एडमिशन लिया है तो आपके लॉग इन से जो आपने ऐप आप डाउनलोड किया होगा डायरेक्ट प्ले स्टोर से नहीं मैं फिर से कह रहा हूँ प्ले स्टोर से नहीं आपके लॉग में हमने जो लिंक दी है Uh, जब आप एडमिशन लेते हो वी स्मार्ट एकेडमी पे तो आपके लॉगिन में हमने जो यहां पे लिंक uh, दी है वहां से आपने डाउनलोड करना है वो ऐप आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है yes, यस uh, हिना आप सॉफ्टवेयर में ज्वाइन हो गए हैं चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ, आज का सेशन स्टार्ट करता हूं आज आपके सभी प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएंगे डोंट वरी फॉर दैट ठीक है चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन सो वेल गुड मॉर्निंग गुड गुड आफ्टरनून इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे दोस्तों आप अच्छे होगे बढ़िया होगे एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करना है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर और वो चैप्टर है एग्जाम्शन जिससे रिलेटेड कुछ एग्जम्शन्स हम ऑलरेडी देख चुके थे पर उसको ही आज हम कंटिन्यू करेंगे तो जहाँ तक देखा जाए एग्जम्बन सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन में सेक्शन एलेवन में कवर होता है और आई जी एस टी एक्ट में ओके सेक्शन सिक्स में ये चैप्टर कवर होता है और के दोनों के एग्जामिशन्स लगभग सेम है कुछ एग्जाम्शन आई जी एस टी में एक्स्ट्रा है जो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट आपको एक बात बता दो कि यहाँ पे सेक्शन एलेवन जो है एग्जामिशंस ओके okay, तो चलिए हम यहाँ सेक्शन की लिस्ट रिवाइज कर लेते हैं आर यू रेडी विथ मी ओके यस बोलो तो यहाँ पे सेक्शन सेवन सप्लाई सेक्शन एट कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन नाइन चार्जिंग सेक्शन सेक्शन टेन कंपोजिशन लिवी जो हमारा हो चुका है एंड सेक्शन एलेवन एग्जामिशंस आई होप जो मैंने यूट्यूब के क्वेश्चनर्स के वीडियो अपलोड करके रखे है तो आपको जब भी ऐसा गैप आ जाता है कभी कोई जुनरन रिजन होता है बेटा गैप आ जाता है तो तब क्वेश्चन वीडियो कंप्लीट करो मैंने इसलिए आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं साथ साथ में क्वेश्चन इस वीडियो भी अपलोड कर चुका हो तो ऐसे केस में ओके कोई रीजन के वजह से कभी कुछ मॉर्निंग का क्लास इवनिंग में हो जाता है या कोई गैप आ जाता है तो वह क्वेश्चन वीडियो आप कंप्लीट कीजिएगा अगर आप बूस्टर यूजन के साथ क्वेश्चन वीडियो नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत जाएगी ओके अगर आपको पूरा सिलेबस मेरे साथ कंप्लीट करना है तो वो भी आप साथ में कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों चलिए ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आ जाइए फटाफट एग्जामेशन दो टाइप के होते हैं एक जनरल एग्जामिशन और एक स्पेशल एग्जामेशन जनरल एग्जामेशन जो है ओके पब्लिक इंटरेस्ट में होता है दूसरा अगर हम बात करें जनरल एग्जामेशन के लिए तो ये जो है जनरल एग्जामेशन यहाँ पे मोर देन वन परसेंट को अप्लीकेबल होता है और स्पेशल एग्जामेशन जो है तो स्पेशल एग्जामेशन एक्सेप्शनल नेचर के लिए होता है ये बाय स्पेसिफिक ऑर्डर होता है और ये जो है स्पेशल एग्जाम्शन यहाँ ओके okay, स्पेसिफिक uh, जिसको दिया गया उसको ही अप्लीकेबल होगा नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, ये यह एग्जाम्पल हेल्थ केयर सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विसेज में हमने देखा था डी टी सी डबल आईपैड ओके डी टी सी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और केयर दोनों भी मतलब आदर डायग्नोसिस हो रहा है और ट्रीटमेंट हो रहा है और केयर हो रहा है फॉर इलनेस इंजुरी प्रेगनेंसी एबनॉर्मिटी एंड डिफॉर्मिटी दो आईपैड डीटीसी कुरियर से बोला है इन रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो इसको हेल्थ केयर बोला जाएगा Okay, ख्याल रहे रिकोगनाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होना चाहिए दूसरा इंक्लूड्स एम्बुलेंस सर्विस पर है ट्रांसप्लांट प्लास्टिक सर्जरी नहीं इंक्लूड होगा लेकिन अगर ये कॉन्जेंडेंटल डिसीज एबनॉर्मलिटीज और ट्रामा के वजह से होगा तो वो भी हेल्थ केयर में मान लिया जाएगा अगर हेल्थ केयर सर्विस ये तीन लोग देते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स तो ये केस में एग्जम्शन मिल जाएगा इन तीन लोगों के अलावा बाकी कोई भी देता है तो एग्जिम्पन नहीं मिलेगा उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स मतलब कोई प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज दे रहा है तो वो इसमें एग्जम्पशन मिल जाएगा स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन पे एग्जम्पशन दिया गया है ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जो है जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को सर्विसेज दिया उसको एग्जम्पशन दिया गया है एनिमल्स और बर्ड्स का भी ख्याल रखा है उनके भी हेल्थ केयर यानी वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं उन वेटरनरी डॉक्टर की सर्विसेज को भी एग्जम्पशन दिया गया है और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं उसको भी यहाँ पे एग्जामेशन दिए गए हैं दोस्तों अब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको बता दूं कि मैं ये एग्जाम्शन सीरियल नंबर वाइज या सीक्वेंस वाइज आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ ये एग्जाम्शन मैं सेक्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ सेक्टर वाइज पढ़ाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ पे अगर इस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल आया या इस सेक्टर से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया तो यस बेटा यहाँ सेक्टर वाइज में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां तो चलिए अब आ जाते हैं चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर इसमें तीन एग्जामेशन जो मैंने कवर किए पहला तो च, अगर सेक्शन ट्वेल्व ए ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट होगी आई रिपीट चैरिटेबल ट्रस्ट होगी सेक्शन 12 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में तो वो कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटीज करती है तो चैरिटेबल एक्टिविटीज पे एक्जीशन दिया गया है चैरिटेबल एक्टिविटीज डिफाइंड है ओके मैंने कुछ समरी ली है लेकिन आप रेगुलर बुक से थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेना अगर इस टाइप की चैरिटेबल एक्टिविटी वो प्रोवाइड करती है तो एग्जिमिशन दिया जाएगा उसके बाद में यहाँ पे रिलीजियस uh, ट्रस्ट जो उसके प्रिंक्स रेन पे देती है एक्चुअली सेकंड एग्जिमेशन रेन पे है बेटा तो उसके प्रिसिंग यानी कनेक्टेड एरिया रेन पे देती है तो वो

पर डे टेन थाउजेंड से नीचे होगा तो यहां पे एक्सम्स मिल जाएगा जीएसटी नहीं आएगा लेकिन और के ऊपर होगा तो जीएसटी आ जाएगा और नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो बिजनेस ऑपरेशन और कॉमर्स के लिए कोई भी शॉप रेंट पे दिया तो वो सिचुएशन में यहां परीएसटी yes, जो है जीएसटी पर मंथ के लिए कहा गया और पर मंथ यहां पे टेन थाउजेंड से कम होगा तो एग्जामेशन है पर टेन थाउजेंड या उससे ज्यादा होगा तो एग्जामेशन नहीं मिलेगा दोस्तों चलिए और उसके बाद में यहां अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की तो सॉरी रिलीजियस सेक्टर में हज पिलग्रिमेज या कैलाश मान सरोवर पे ऑर्गेनाइजेशन ने अगर सर्विसेज दिया स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ने तो उसको एग्जिमशन दिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए ये हमने देखा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जाम्शन इन लीगल सेक्टर ध्यान से देखिएगा एग्जम्पन इन लीगल सेक्टर लीगल सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एडवोकेट एक्सेट्रा अब देखो ये मैंने चार्ट फॉर्म में यहाँ पे लिया है पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं बूस्टर रिवीजन कर रहा हूँ और आपके पास मेरी बुक होगी तो वो भी ओपन करके रखिएगा प्रॉब्लम क्या है थोड़ा आपका माइंड मैपिंग जो मेरी रेगुलर मेरी रेगुलर बुक या सुपर थर्टी फाइव बुक से आपका माइंड मैपिंग हो गया होगा तो आपको ये समझना और आसान हो जाएगा तो नाउ नेक्स्ट बेटा सर्विस प्रोवाइडेड बाई आर्बिटल ट्रिब्यूनल सबसे पहले तो ये समझ लो सर्विस प्रोवाइडेड बाई ऑफ सीनियर एडवोकेट हो याद होगा तो ये सर्विसेज रिवर चार्ज में रिवर चार्ज में बस इतना ही कहा कि अगर सर्विसेस बिजनेस एंटिटी को दिया सुनिए ध्यान से अगर सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दिया तो वो सिचुएशन में रिवर चार्ज लग जाएगा और बिजनेस एंटिटी बिजनेस एंटिटी इज लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ठीक है पर आ, सवाल यह था बहुत सारे सवाल ये थे कि अगर सर्विसेस बिजनेस एंटिटी को नहीं दिया किसी और को दिया होगा मतलब नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया होगा या गवर्नमेंट को दिया होगा तो फिर क्या क्या उस, उस पर भी टैक्स आएगा तो उस पर टैक्स अभी एग्जम्पन में मतलब अभी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट की सर्विसेज एक ही केस में टैक्सेबल है और वह बिजनेस एंटिटी को दिया और उसमें भी वो रिवर्स चार्ज में है दोस्तों ओके यानी लाइबिलिटी सर्विस रिसिपियन पे बिजनेस एंटिटी पे लेकिन अब यहाँ जो ये यह एक्जम्पन है इसको ध्यान से पढ़ते हैं पहला तो ओके बिजनेस एंटिटी के लिए एग्जम्पन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अगर ये बताओ तो यहां पे देखो, चार्ज, चार्ज तब भी आएगा जब यहां एग्जम्शन नहीं टैक्स देना होगा अब अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन आपका एग्जम्ट है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है ना फॉरवर्ड चार्ज में देने की जरूरत है ना रिवर्स चार्ज में देने की जरूरत है चलिए अब बिजनेस एंटिटी के, के केस में क्या एग्जाम्शन दिया है जो एग्जाम्शन यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए भी रखा गया है सेम एग्जम्पन यहाँ पे एडवोकेट इंडिविजुअल एडवोकेट के लिए दिया रखा गया है और सेम एग्जाम्शन अगर मैं नीचे बताऊँ तो सीनियर एडवोकेट के लिए भी रखा गया है ओके लगभग तीनों एग्जाम्शन एक जैसे है पर एक छोटा छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस है वो माइनर डिफरेंसेस मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा ओके तो यहाँ सबसे पहले लेते हैं बिजनेस एंटिटी अब वो क्या कहते हैं ध्यान टैक्सेबल है अगर कोई बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो टैक्सेबल है रिवर्स चार्ज में पर इसको एक्सम्सन कहाँ मिलेगा एग्रीगेट टर्न ऑफ बिजनेस एंटिटी टू सच अमाउंट इन प्रोसडिंग फाइनेंशियल मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जामेशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन तो वो वो बिजनेस एंटिटी अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस ली या अगर लीगल सर्विस ली तो वो सिचुएशन में एग्जामेशन दिया गया चलो इस पॉइंट को थोड़ा एनालाइज करते हैं और एनालाइज जो किया गया उसको समझने की कोशिश भी करते हैं ओके okay, यहां पे ठीक है तो यहां पे उसको समझने की कोशिश करते हैं यस uh, बेटा yes, जो भी स्टूडेंट ने ये कहा कि सर आपके ऐप में लाइव सेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है ऐप पूरा क्लोज कर दो पूरा क्लोज कर दो और फिर से रिस्टार्ट करो आपको मिल जाएगा ठीक है आपको मिल जाएगा थोड़ा खेलो यार आपको तो खेलने की आदत है ऐप के साथ पूरा क्लोज करके वापस रिस्टार्ट जब भी कोई टेक्निकल इशू आता है क्लोज करके रिस्टार्ट करने का फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है चलिए तो यहां ये सिचुएशन में चलो आ जाइए ये सिचुएशन में यहां पे देखते हैं एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी अप टू सच अमाउंट इन प्रोसीडिंग ईयर मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन चलो इस पॉइंट को हम यहाँ पे समझेंगे देखिए बेटा फंडा ऐसा है कि इसके पीछे बैकग्राउंड बता दे दो तो, जो छोटी बिजनेस एंटिटी है सुनिए जो छोटी बिजनेस एंटिटी है और वो लीगल सर्विस या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस ले रही है जो रजिस्ट्रेशन में नहीं आती है क्योंकि वो थ्रेशोल्ड में है उनका टर्न ओवर इतना है कि वो से कम है इसलिए वो रजिस्ट्रेशन के बाहर है इन्होंने थ्रेशोल्ड नहीं लिया पहले था थ्रेशोल्ड दस लाख बीस लाख चालीस लाख अब थ्रेशोल्ड नहीं लिया अब कहा है कि उनका एग्रीगेट टर्न एग्रीगेट टर्न उतना है कि उनको रजिस्ट्रेशन के बाहर रखता है यानी दस लाख कोई कहीं दस लाख होगा कहीं बीस लाख होगा कहीं चालीस लाख होगा और उनको रजिस्ट्रेशन के बाहर रखता है तो ऐसे सिचुएशन में वो बिजनेस एंटिटी यहाँ पे अगर सर्विसेज लेगी तो रिवर्स चार्ज नहीं आएगा मतलब गवर्नमेंट ने ये जो एग्जाम लाया ये बिजनेस एंटिटी में उन लोगों को जो अंडियो हार्डशिप हो रही थी छोटे छोटे बिजनेसमैन जो लॉयर की सर्विस ले रहे थे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस ले रहे थे और जिस बिकॉज ऑफ रिवर चार्ज उन्हें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन में आना पड़ रहा था तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे परेशानी ना हो और वो सेक्शन 24 फोर रिवर चार्ज की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन ट्रिक ना हो इसलिए उनको कह दिया कि ठीक है, याने हो, के एग्जाम करो यानी अगर तुम तुम अनरजिस्टर्ड हो हो थ्रेशोल्ड नीचे तो छोड़ो जाने दो रिवर्स चार्ज में भी मत पे करो कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो उनको छोटी बिजनेस एंटिटी को ध्यान में रखते हुए ये एग्जाम लाया गया पर मैं आपको मेरे तरफ से बता देता हूं कि इसमें कुछ लू फोल है जो आज आप फायदा उठा सकते हो क्योंकि ये फ्यूचर में अमेंड होगा वो बात अलग है लेकिन लूफोल है और आज आपका आप आप उसका फायदा उठा सकते हो भाई सर ये तो बताइए क्या लूफोल है और हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं भाई फायदे वाली बात आप सबसे पहले बता दो फायदे वाली बात बेटा आपको सबसे पहले ये बताओ कि इन्होंने क्या कहा ये एग्जामेशन करंट ईयर के लिए है अगर आपका एग्रीगेट टर्न आप, आप इन प्रोसरिंग फिनांशियल ईयर इन प्रोसिडिंग पी एफ आई का इन प्रोसीडिंग ईयर आपका एग्रीगेटर्न और थ्रेशोल्ड के नीचे है देखो मैं आपकी समझने के लिए ये कहूंगा कि आपका थ्रेशोल्ड के नीचे है है ठीक है। वैसे आपको लिखते वक्त थ्रेशोल्ड नहीं लिखना है आपको ऐसा लिखना है कि प्रोसीडिंग ईयर मेक इट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कम ऑन एग्जम्पशन मेरे साथ बोलो एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ओके तो ऐसे की आपको ये लिखना है पर हमारी बातचीत के लिए और एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं थ्रेशोल्ड वर्ड यूज करूंगा तो अब ऐसे से केस में ओके थ्रेशोल्ड वर्ड यूज करूंगा अब ऐसे सिचुएशन में देखिए यहां पे एग्रीगेट टर्न जो है एग्रीगेट टर्न ऑफ बिजनेस एंटिटी ये प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा तो करंट ईयर में पूरा एग्जाम्पन मिलेगा एक सिंपल एग्जाम्पल आपका लेना चाहूंगा और वो सिंपल एग्जाम्पल कि पिछले प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्न और पंद्रह लाख था पंद्रह लाख था तो मैं थ्रेशोल्ड में था और कि थ्रेशोल्ड में था तो लॉ क्या कहता है लॉ ये कहता है कि इस साल इस साल आप जितनी भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस लोगे या, लो okay, लो? सर okay, तो, लो या पता नहीं गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया जो भी करंट ईयर में कितने भी अमाउंट का सर्विस लो एक्म अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो यानी रिवर चार्ज में भी टैक्स नहीं आएगा रिवर चार्ज में भी टैक्स नहीं आएगा नाउ

कि सर अगर यहां मेरा टर्न और प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर का यहां रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल से ज्यादा था थ्रेशोल से ज्यादा था तो वो केस में बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल होगी और रिवर चार्ज में उसके ऊपर <coughs> सॉरी रिवर चार्ज में जीएसटी आ जाएगा चलो सर ये बात भी क्लियर होगी नेक्स्ट आपको एक बात बता दू अगर सर मैंने पिछले साल मेरा टर्न इतना था कि मैं एग्जामेशन के बाहर रह सकता था सिचुएशन देखो पिछले साल मेरा टर्न ओवर इतना था कि मैं एग्जम्पन के बाहर रह सकता था मतलब मेरा टर्न ओवर दस लाख ही था पर मैंने वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन लिया पर मैंने वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन लिया तो मैं रजिस्टर्ड तो हो गया पिछले साल पर पर मेरा टर्न ओवर इतना था कि मैं यहाँ पे सुनिए मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से एग्जम्शन ले सकता था इलिजिबल फॉर एग्जम्पन फ्रॉम रजिस्टर यानी मैं इलिजिबल था एग्जैशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन मन पर मैंने वॉल्टी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो ऐसे सिचुएशन में क्या मुझे एग्जम्पन करंट ईयर में मिलेगा इवन दो मैंने वॉन्टरी रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई क्लैरिटी नहीं है ना हमारे इंस्टीट्यूट से कोई क्लैरिटी है तो यहाँ पे क्लैरिटी तो नहीं है बेटा लेकिन मेरा ये मानना है ऑथर्स ओपिनियन एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको ऐसे कंट्रोवर्शियल जब तक तो गवर्नमेंट के क्लैरिफिकेशन नहीं आते एग्जाम में नहीं पूछते लेकिन मेरा ओपिनियन है आपको मिलना चाहिए क्योंकि आप एलिजिबल थे उन्होंने ये नहीं कहा था कि क्योंकि ये एग्जाम्शन आपके रजिस्ट्रेशन के बेस पे नहीं है उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम रजिस्टर्ड हो गए पिछले साल तो नहीं मिलेगा अनरजिस्टर्ड हो गए तो मिलेगा उन रजिस्ट्रेशन के वर्ड वर्ड पर नहीं है वर्ड है इलीजिबल फॉर एग्जाम्शन तो मैं इलिजिबल था एग्जाम फॉर एग्जाम्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा तो आपको ये मिलना चाहिए क्योंकि आप थ्रेशोल्ड के नीचे थे पर अगेन इट्स ऑथर ओपिनियन नॉट क्लैरिफाइड बाय गवर्नमेंट नॉट क्लैरिफाइड बाय आई सी आपको एग्जाम में इसके ऊपर मुझे लगता है कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा आई होप इसको इसका आंसर आपको मिल गया होगा ठीक है नहीं वो ल, यहाँ पे वो बेटा लेक्चर फॉर पार्ट टू वो गलती से आ गया था वो यहाँ पे वो लेक्चर तो हमारा कंप्लीट हो गया है चलिए नेक्स्ट अब आ जाओ नेक्स्ट यहां पे अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो वो एग्जाम रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या लोकल ऑथॉरिटी को सर्विस दिया तो एग्जम्ट रहेगा ओके okay, तो नॉन बिजनेस एंटिटी में सब आ गए फिर ओके okay, वो ट्रस्ट हो इंडिविजुअल हो ओके अगर यहाँ पे कोई भी कोई भी हो जो नॉन बिजनेस एंटिटी है खत्म एग्जम्प्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्प्ट है सिमिलर एग्जाम्शन यहाँ पे दिया गया है अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल अब ओके okay, ये टाइटल ध्यान से देखना सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट ध्यान से देखना अदर देन सीनियर एडवोकेट ये अदर देन सीनियर एडवोकेट को आप जो है बोल्ड करो क्यों क्योंकि इसके लिए इन्होंने कि okay, अलग से एग्जाम्शन दिया गया है अब ये बात कही और ये पॉइंट को ध्यान रखना कि जब हम रिवर्स चार्ज की बात करेंगे ध्यान से सुनना ओके okay, आपको खिचड़ी बुक में लिखना है तो लिख सकते हो जब हम आर की बात करेंगे रिवर्स चार्ज की तो रिवर्स चार्ज में ऐसा नहीं है मतलब क्या ओके okay, वो इंडिविजुअल एडवोकेट हो या वो फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो ओके okay, या वो सीनियर एडवोकेट हो तीनों के लिए उन्होंने कहा इन तीनों ने अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दिया ध्यान सुनना बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो ये केस में आरसीएम आ जाएगा और आरसीएम में सॉरी बेटा ये केस में आर आ जाएगा और आरसीएम के अंडर में ओके okay, यहां पे जीएसटी लगा दिया जाएगा ठीक है लेकिन देते वक्त ख्याल रहे एग्जाम्शन देते वक्त इन्होंने दिया है exemption देते वक्त वो कहते हैं अगर वो इंडिविजुअल एडवोकेट होगा और फॉर्म ऑफ एडवोकेट होगा तो इसके लिए एग्जम्पन अलग रहेगा तो एग्जाम्शन में बायफर्गेट किया इन्होंने इसके लिए एग्जाम्शन अलग रहेगा और वो सीनियर एडवोकेट होगा सीनियर एडवोकेट होगा तो इसके लिए एग्जाम्शन अलग रहेगा ठीक है अब यहां पे अगर देखा जाए तो वो क्या कहते हैं तो यहां पे ये देखो इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट होगा अदर देन सीनियर एडवोकेट तो बिजनेस एंटिटी वाला एग्जामेशन वैसा ही जैसा हमने यहां पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए देखा मतलब अगर एग्रीगेटन और जो सर्विस ले रही है बिजनेस एंटिटी सप्लायर का नहीं देखना है रिसिपियन का देखना है और जो रिसिपियंट ये सर्विस ले रहा है ओके उसका उसका प्रसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्न और अगर यहां पे उसको एग्जाम्शन के बाहर रखता है तो वो सिचुएशन में यस बेटा उसको एग्जामेशन के बाहर रखता है तो वो सिचुएशन में यहां पे उसको करंट ईयर में कितनी भी लीगल सर्विस एडवोकेट से एग्जाम्पन मिल जाएगा यानी एग्जाम्पन करंट ईयर का है पर किसके बेस पर है आपका लेने वाले का एग्रीगेटर्न और प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या है उसके बेस पर एग्जम्पन दिया गया है और बाकी अदर बिजनेस एंटिटी को दिया तो वो तो टैक्सेबल होगा और वो भी रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल किया जाएगा अगर इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जम्पन दे रहा है नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है और कौन सी सर्विस दे रहा है बेटा लीगल सर्विस होनी चाहिए ओके okay, ख्याल रहे हम बात कर रहे हैं लीगल सर्विस तो ये लीगल सर्विस की बात कर रहे हैं तो ये लीगल सर्विस होनी चाहिए लीगल सर्विस की डेफिनेशन दी गई है ये बाकी सर्विस के लिए अप्लाई नहीं होगा ये लीगल सर्विस के लिए अप्लाई होगा तो ये लीगल सर्विस जो दी जा रही है तो ये लीगल सर्विस के रिलेटेड एग्जामेशन प्रोवाइड किया तो एक काम करो यहाँ पे भी डाल दो लीगल सर्विस यहाँ पे भी वोट डाल दो लीगल सर्विस अब मैं आपको ये कहूँगा कि नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जाम मतलब कोई लॉयर जो है यहाँ पे कि किसी का डिवोर्स हो रहा है उससे रिलेटेड लीगल सर्विस दे रहा है भाई सर आपको डिवोर्स का एग्जाम्पल क्यों याद आ रहा है ऐसे ही मूड हो गया ओके okay, तो यहाँ पे दूसरा जहाँ तक है कोई झगड़ा हो गया घर का झगड़ा है प्रॉपर्टी का झगड़ा है और कोई इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है और वो बिजनेस एंटिटी नहीं है तो वो टोटली totally एग्जम्प्ट है उसके बाद में जो नेक्स्ट याद रखने लायक है क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी हमने देख लिया अगर गवर्नमेंट को सर्विस दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को

ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे लीगल सर्विसेज में ओके लीगल सर्विसेज में इंडिविजुअल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट ये सर्विसेज दे रहा है उसके बाद में बेटा जहां तक देखा जाए अब यहां मैं एक वर्ड और ऐड करना चाहूंगा यहाँ कर दो लीगल सर्विस सॉरी बेटा बहुत ही पे एक मिनट लीगल सर्विस तो ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट मैं थोड़ा आपका ध्यान सीनियर एडवोकेट पे लाना चाहूंगा सीनियर एडवोकेट में देखो छोटा सा चेंज क्या है बिजनेस एंटिटी वाला एग्जामेशन वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था नॉन बिजनेस एंटिटी वाला एग्जाम्शन वैसा ही है जैसा हमने देखा था और गवर्नमेंट वाला एग्जाम्शन भी वैसा ही है हमने हाँ, देखा था बस ये चेंज है ये चेंज है ये वाला ये इंपॉर्टेंट रखना कि ये चेंज सर इसमें क्या है ओके इसके पीछे बैकग्राउंड बता दो अगर सीनियर एडवोकेट किसी दूसरे एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देता है तो वो सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एग्जम्पन नहीं दिया है वो सिचुएशन में गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्सेबल कहा है गवर्नमेंट ने कहा ये टैक्सेबल होगा और चाहे कुछ भी हो जाए ये टैक्सेबल कर दिया जाएगा अब यहां पे जहां तक देखा जाए अब मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि इसका मतलब ये यह है यहां कि एक नॉर्मल एडवोकेट दूसरे एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दी तो वो सिचुएशन

ओके okay, यहाँ पे सवाल है कि ये सर्विस टैक्सेबल है पहले तो स्टेटस क्लियर कर लेते हैं और ये स्टेटस क्लियर कर लेते ये सर्विस टैक्सेबल है अब ये सर्विस जो टैक्सेबल है बेटा तो अब सवाल है कि ये जो लेने वाला एडवोकेट है सर्विस क्या इसका टैक्स देगा कौन ओके okay, क्या सीनियर एडवोकेट देगा ओके okay, या फिर ये एडवोकेट देगा अब हमारा लॉ क्या कहता है अगर सीनियर एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया हो तो रिवर्स चार्ज लग जाता है बिजनेस एंटिटी को सर्विस लिया हो तो रिवर्स चार्ज लग जाता है तो क्या ये जो इंडिविजुअल एडवोकेट सर्विसेस ले रहा है सीनियर एडवोकेट की सीनियर एडवोकेट की तो क्या इसे बिजनेस एंटिटी माना जाएगा बिल्कुल माना जाएगा क्यों क्योंकि बिजनेस एंटिटी मतलब जो नाइन एक्टिविटी है उसकी एंटिटी जो नाइन एक्टिविटी बिजनेस की डेफिनेशन देखी थी उसकी एंटिटी मतलब क्या तो मतलब यहाँ पे नाइन एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ और बिजनेस के डेफिनेशन की बात करूँ तो ये सिचुएशन में प्रोफेशन वर्ड आता है ओके प्रोडक्ट ट्रेड मैन्युफैक्चर कॉमर्स प्रोफेशन वोकेशन वेजर तो प्रोफेशन वर्क आता है अगर प्रोफेशन ये वर्क आता है तो ये सिचुएशन में ओके okay, क्यों ना ये एडवोकेट हो पर यह एडवोकेट तो गवर्नमेंट का दामाद थोड़ी है, है तो प्रोफेशन ही है तो बिजनेस ही तो अगर वो प्रोफेशन में आ जाता है तो ये भी बिजनेस एंटिटी मान ली जाएगी ये भी बिजनेस एंटिटी मान ली जाएगी और अगर बिजनेस एंटिटी मान ली जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा ये क्राइटेरिया है ओके okay, तो वो जो दूसरे अरे <स्तुण> और अगर वो बिजनेस एंटिटी मान लिया जाएगा अगर वो बिजनेस एंटिटी मान लिया जाएगा तो फिर वो ये क्राइटेरिया के सारे बेनिफिट ले सकता है क्योंकि वो आप बन गए बिजनेस एंटिटी ठीक है चार्ट में मैंने दो अलग अलग दिए पर चार्ट में दो अलग होने से हमारे इंटरप्रिटेशन थोड़ी बदलते हैं ओके तो यहाँ पे वो बिजनेस एंटिटी मान ली जाएगी और बिजनेस एंटिटी अगर मान लिया गया तो वो ये क्राइटेरिया में आ सकता है अब ये क्राइटेरिया में आ सकता है मतलब क्या मतलब क्या ये जो एडवोकेट है ओके okay, सबसे पहले तो ये आरसीएम आ जाएगा इसके ऊपर लेकिन लेकिन ये एडवोकेट ये आपसे एक सवाल पूछना चाहता है दोस्तों जो मुझे देख रहे स्क्रीन पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता है और वो ये सवाल है ध्यान सुनिएगा सवाल ये है बेटा यहां कि यस ये जो बिजनेस एंटिटी है ये दस लाख का एग्जामेशन ले सकते सॉरी वो जो ये वाला एग्जाम्शन दिया है कि वो थ्रेशोल्ड के बाहर है वो थ्रेशोल्ड के बाहर होगा प्रीसरिंग फाइनेंशियल ईयर में तो एग्जाम्शन ले सकता है क्या तो ये ये जो बिजनेस एंटिटी है और ये एडवोकेट UH, भी है और ये एडवोकेट पे टैक्स आएगा रिवर्स चार्ज में आएगा लेकिन वो कह रहा है कि मेरा प्रसविंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट और जो है वो थ्रेशोल्ड के नीचे था तो क्या करंट ईयर में मैं ये एग्जाम्शन ले सकता हूँ क्या जो सीनियर एडवोकेट को दिया है तो यस बेटा यहाँ पर मैं आंसर चाहूँगा और एक फीचर में अपना दो मिनट के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दो मिनट के लिए यूज करना चाहता हूँ जो सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड है तो एक फीचर यूज करना चाहता हूँ जो सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड है तो मुझे बताइए क्या ये जो वो ये वाला एग्जामिशन है ये वाला एग्जामिशन एज अ बिजनेस एंटिटी वाला क्या ले सकता है क्या मैं वीडियो कॉल करूंगा अगर कोई रेडी होगा वीडियो कॉल में तो जरूर ज्वाइन हो जाए तो यहाँ पे वीडियो कॉल में कोई आना चाहता है यस रेज योर हैंड यस yes, मुझे आंसर तो मिल गया आपके सभी के पर कोई वीडियो कॉल में आना चाहता है बेटा देखिए अगर आप आए तो हम आपने परमिशन दिया होगा तो हम आ जाएंगे बस दो मिनट मैं ये फीचर आपको सबको बताना चाहूंगा यस के उमाशंकर तो क्या लगता है आपको yes, sir, मिलेगा एज अ बिजनेस एनडीडी वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू थैंक यू उमाशंकर ये थोड़ा टाइम लगा पर ये सॉफ्टवेयर का मुझे ये फीचर बड़ा अच्छा लगा कि हम इंटरेक्ट कर सकते हैं यस yes, yes. तो चलिए ऐसे ही मैं इन बिटवीन आप सबसे इंटरेक्ट करते रहोगा मजा आएगा और ये पूरा रिवीजन आईडीटी रिवीजन बहुत अच्छे से हम करेंगे और ऐसे इंटरेक्शन में करेंगे बाकी सबको दिख रहा है वीडियो येस और नो अच्छा चलो ठीक है आपको वीडियो 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 चलिए ये फीचर मैं एक बार फिर से यूज़ करूंगा लेकिन ये सबको देखेगा वीडियो सभी स्टूडेंट्स को देखेगा मुझे ओपन चैट में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी चलो ठीक है ओके उमाशंकर थैंक यू थैंक यू आ, आपके मोबाइल में भी कुछ सेटिंग आपको करनी पड़ेगी जिसका मैं आपको बता दूंगा क्या सेटिंग करनी है लेकिन यस ये, ये अमेजिंग फीचर है और मजा आ जाएगा आ, हमें यहाँ पे स वी कैन चैट लाइव ऑन सॉफ्टवेयर आप कर सकते हो मेरे कॉल करने के बाद ये अच्छा फीचर है और सॉफ्टवेयर में धीरे धीरे हम शिफ्ट हो जाएंगे लाइव चैट हमारा हो सकता है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आ, ये हमने लीगल सर्विस दिखा और एक बार मैं आपको फिर से कह दू कि जिसको भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा हम आखिरी में बात करेंगे हम आखिरी में बात करेंगे ठीक है जो भी अभी YouTube पे कनेक्टेड है और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम जा रहा है हम आखिरी में बात करेंगे बस मेरे तरफ से ये एश्योरेंस है कि आज सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आज सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ठीक है डन तो आ, यहां पे लीगल सर्विस में किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन हाँ एक सवाल आ गया है और वो ये है कि सर अगर इंडिविजुअल एडवोकेट ने सीनियर एडवोकेट को दिया समझ लो ये सेकंड वाला चार्ट इंडिविजुअल एडवोकेट ने सीनियर एडवोकेट को दिया होगा तो वो वो एग्जाम है क्योंकि इंडिविजुअल एडवोकेट कोई भी एडवोकेट को कोई भी एडवोकेट को दे To another individual advocate और advocate और आप एक ऐड कर दो यहां पे ओके okay, तो ये इंडिविजुअल एडवोकेट कोई भी एडवोकेट को दे क्यों ना वो senior advocate हो, वो रहेगा, वो हो रहेगा रहेगा ओके यहाँ पे पर सीनियर एडवोकेट अगर किसी इंडिविजुअल एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दे तो वो सिचुएशन में वो टैक्सेबल होगा ओके चलिए ठीक है तो ये डिस्कशन हमने किया आगे बढ़ते हैं डन फिर मैं लूगा बेटा नेक्स्ट सेक्टर और रेंटिंग ऑफ इमुएल प्रॉपर्टी अब ये देख लो रेंटिंग ऑफ इमुएल प्रॉपर्टी रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल फॉर रेसिडेंस मतलब अगर इंडिया में किसी ने भी किसी को सुनो इंडिया में किसी ने भी किसी को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दिया okay, यहां पे और रेसिडेंस के लिए दिया दोनों चीजें पूरी होनी चाहिए रेसिडेंस के लिए दिया तो वो सिचुएशन में एग्जामेशन मिल जाएगा पहला सवाल पहला सर यहां पे ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यानी क्या ये डिफाइंड नहीं है आई रिपीट ये डिफाइंड नहीं है ड्वेलिंग डिफाइंड नहीं है पर पुराने सर्विस टैक्स में सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन था जिसका मैं यूज करता हूं जब मैं जीएसटी पढ़ाता हूं ड्वेलिंग मतलब ऐसा कोई अकोमोडेशन जो रहने के लायक बनाया गया है Exam, बहुत ही सिंपल वर्ड में तो आपके flats, आपका हाउस okay, जो रहने के लिए बनाया गया है उसको रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कहा जाएगा लेकिन इसमें होटल इन गेस्ट हाउस वगैरह कवर नहीं होगा ओके okay, मतलब आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग जो लॉन्ग टर्म पर्प के लिए रेंट दिया रेंट पे दिया जा रहा है लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन

मैंने आपको मेरा फ्लैट ऑफिस के लिए दिया हो अगर मैंने ऑफिस के लिए दिया हो तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसको जो है एग्जामेशन नहीं मिलेगा उनकी दूसरी शर्त है कि वो रेसिडेंस के लिए आपने देना चाहिए चलिए ओके दूसरा इसमें होटल इन गेस्ट हाउस वगैरह नहीं आएगी होटल क्योंकि होटल वाले की रूम भी रहने के लिए होती है लेकिन वो नहीं आएगी उसके लिए दूसरा वाला एग्जामेशन उन्होंने दिया हुआ है और वो दूसरा वाला एग्जामेशन क्या है बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्शन है एग्जाम में इसपे ऊपर सवाल आ सकता है और वो कौन सा रेंटिंग ऑफ होटल इन गेस्ट हाउस और क्लब और Site for residential or lodging purpose, हाँ. अगर आपका होटल इन गेस्ट होगा क्लब होगा कैंपसाइट होगा फॉर रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पज होगा है वैल्यू ऑफ सप्लाईनिटक्स टू वन थाउजेंड पर डे और इक्वेलेंट ओके यूनिट इक्वल्स टू वन थाउजेंड पर डे और इक्वेलेंट मतलब क्या जो यहां पर बहुत सी बार इंडायरेक्ट टैक्स में ख्याल रहे हैं. डायरेक्ट टैक्स में नॉर्मली क्या होता है एक सप्लायर होता है एक रिसीपिएंट होता है ओके तो यहां पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जिम्मेदारी ध्यान सुनना बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहा हूं आगे बहुत काम आएगा गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जिम्मेदारी जो है ओके तो यहाँ पे वो सप्लायर की है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जिम्मेदारी यहाँ पे सप्लायर की है लेकिन अल्टीमेट बर्डन जो है रिसिपियन पे जाता है सर इसमें आपने कह नई बात कही थी मैं बत, कुछ आगे और बताना चाहता हूं यानी टैक्स देने वाला अल्टीमेटली तो रिसिपियन होता है तो बहुत सी बार गवर्नमेंट ओके सिक्सटी सेवनटी परसेंट में गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एग्जम्पन सप्लायर को देख के नहीं देती है बहुत सी बार एग्जम्पन रिसिपियन को देख के देती है कि लेने वाला कौन है क्यों क्योंकि अल्टीमेटली बर्डन वही उस पर आना है आना है तो लेने वाले कम जो सर्विसेज लेगा उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एग्जाम्पन्स देती है तो ये उसमें का एक एग्जाम्शन ये दोनों एग्जाम्शन ऐसे कि सर्विस लेने वाले जो रहने के लिए रेंट पे ले रहे हैं उनके पे क्यों बर्डन है ओके मिडिल क्लास फैमिली होती है पुअर फैमिली होती है और वो रेंट पे रह रही है मतलब उनके पास पैसा नहीं है ओके ये गवर्नमेंट ब्रॉड सेंस में सोच के चलती है ऐसे ही होटल के लिए उन्होंने ब्रॉड सेंस में सोच के चले और उन्होंने कहा कि भाई जो एक हजार के नीचे वाली रूम में रहेगा एक हज़ार के नीचे वाली रूम में रहेगा तो उनके पास यार कहाँ के वो पोअर क्लास या मिडिल क्लास की फैमिली रहेगी जो रिसिपियन होगे तो उनको ध्यान में रखते हुए होटल वाले को एग्जाम्पन दिया है कि भाई देखो आप किसी पे बिल बनाओगे और एक हजार के नीचे का बिल रहेगा तो उनको एग्जाम्पन कर दो क्यों उसको परेशान करते हो तो अब वो सिंपल फंडा क्या कहा उन्होंने सिंपल ये फंडा है कि समझ लो ये होटल है ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे मेरे साथ खिचड़ी बुक बनाने का बॉस ओके और मेरे साथ इन्वॉल्व रहने का मजा आ जाएगा आप मेरे साथ स्पीड भी मैच करोगे फ्रीक्वेंसी भी मैच करोगे और आप जो है ओके इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे ये समझ लो होटल है ये होटल में ये वाला जो रूम है ये वाला जो रूम है ये वाला जो रूम है ओके तो ये पहला वाला जो रूम है ओके okay, यहाँ पे एक कस्टमर आया और ये कस्टमर को इन्होंने यहाँ पे नाइन हंड्रेड रुपीज चार्ज किया ओके वैल्यू ऑफ सप्लाई अ वर्ड है वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए आपको नो डाउट ओके सेक्शन फिफ्टीन का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा यानी उन्होंने ये होटल टेरिफ वर्ड नहीं यूज़ किया उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन फिफ्टीन के हिसाब से सेक्शन फिफ्टीन के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या आता है वैल्यू ऑफ़ सप्लाई में सेक्शन फिफ्टीन के हिसाब से ट्रांजेक्शन वैल्यू प्लस सेक्शन फिफ्टीन टू के एक्सपेंसेस अगर आपको याद हो तो सेक्शन फिफ्टीन टू के एक्सपेंसेस क्या है ओके okay, ये बताइए सेक्शन फिफ्टीन टू के एक्सपेंसेस क्या है सेक्शन फिफ्टीन टू के एक्सपेंसेस है कि वैल्यू कॉम्पीट करते वक्त जीएसटी छोड़ के बाकी कोई भी टैक्सेस होगी तो वो आपके इंक्लूड हो जाएंगे ओके okay, आपने ऋषि ने थर्ड पार्टी पेमेंट किया होगा तो इंक्लूड हो जाएगा इंसिडेंटल रैंक से पेमेंट होगी तो इंक्लूड हो जाएगी इंटरेस्ट होगा तो इंक्लूड हो जाएगा सब्सिडी अदर देन बाय गवर्नमेंट होगा तो इंक्लूड हो जाएगा यानी सेक्शन और डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट लेस हो जाएगा तो यहां पे जहाँ तक देखा जाए सेक्शन फिफ्टीन के हिसाब से जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा वो आपका एक हजार या इक्वल एक हजार या इक्वल उतना होगा तो वो सिचुएशन में आपको एक्सम्शन मिल जाएगा ओके okay, ध्यान ध्यान से से सुनिएगा तो नाइन हंड्रेड है तो ये रूम का जो बिल बना इसका जो बिल बना नाइन हंड्रेड okay, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा नो जीएसटी ओके okay, ये ट्रांजेक्शन वाइज रहेगा दूसरा समझ लो दूसरा रूम रहा ये इस होटल का दूसरा रूम दिया और इसका एलेवन हंड्रेड आ रहा है तो इसका अगर एलेवन हंड्रेड आ रहा है तो इसके ऊपर यहाँ पे ध्यान सुनिएगा जीएसटी आ जाएगा यानी आपको ट्रांजेक्शन वाइज आना है और तीसरा तीसरे का जो तीसरा बंदा है ना तीसरा बंदा यहाँ पे उसका नौ सौ रुपये ही बिल हुआ ओके okay, लेकिन उसने कुछ एडिशनल फैसिलिटी ली मतलब उसने कहा कि भाई मुझे ए एस, सी ए सी ए सी की फैसिलिटी चाहिए एडिशनल बेड चाहिए तो दो सौ रुपये उसको एडिशनल फैसिलिटी के लगाए

का रेंट आ रहा है तो क्या ये जीएसटी हमें ऐसा पे करना है कि 1100 सौ माइनस एक हजार यानी जो सौ रुपए क्या सौ रुपए भी जीएसटी देना पड़ेगा आंसर इज रॉन्ग आंसर इज रॉन्ग क्यों क्योंकि उन्होंने यहां पे ये कहा है कि ये हजार रुपए क्राइटेरिया है ये बेसिक डिडक्शन नहीं है ये हजार रुपए क्राइटेरिया है यहाँ पे तो ये हजार रुपए का अगर क्राइटेरिया है इसका मतलब अगर आपका ग्यारह सौ रुपए का रेंट होगा तो ऐसे केस में फुल अमाउंट पे जीएसटी निकाला निकाला जाएगा फुल निकाला जाएगा फुल अमाउंट पे जीएसटी आई होप यू अंडरस्टूड खिचड़ी बुक मेरे साथ ये जो भी जो भी है वो लिखते जाने का और मेरे को सुनते जाने का ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे चलो ये हो गया ये हो गया ये हो गया यहाँ पे ये पॉइंट भी कवर हो गया अभी समझ लो एक कस्टमर है और एक कस्टमर है ये होटल में और ये कस्टमर का जो बिल है ये पंद्रह सौ रुपए का उसका बिल बना है यानी होटल टैरिफ जो है वो पंद्रह सौ रुपए है लेकिन उसको डिस्काउंट मिला है और उसको डिस्काउंट मिला है फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट है और सेवन फिफ्टी डिस्काउंट है नेट बिल सेवन फिफ्टी का बना हुआ अगर नेट बिल यहाँ पे सेवन फिफ्टी का बना है तो क्या इसके ऊपर एग्जम्पन मिलेगा क्या यस 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 एग्जम्पन मिलेगा और नो जीएसटी ओके नो जीएसटी सर क्यों तो यहाँ पे वो कह रहे हैं वैल्यू उसका टैरिफ कितना है क्या लिखा हुआ है बहुत सी बार जब ऑनलाइन आप बुक करते हो तो आपका टैरिफ होता है पंद्रह सौ उसको स्क्रैच करके नेट होता है सेवन फिफ्टी तो वो जाने दो तो यार उसका क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि वैल्यू क्या आ रही है तो सेक्शन फिफ्टीन थ्री में आपको डिस्काउंट के डिडक्शन मिलते हैं मतलब आपकी नेट वैल्यू जो आ रही है वो सेवन आ रही है और सेवन आपकी अगर नेट वैल्यू होगी तो उसके ऊपर Uh, ही क्राइटेरिया लगाया जाएगा तो यहाँ एग्जम्पन मिलेगा तो के के ये हमने डिस्कशन किए सारे पॉइंट्स के ये ये सिचुएशन में एग्जम्शन कैसे मिलेगा होटल इन गेस्ट हाउस अब देखो रेंटिंग में मोस्टली ध्यान से सुनिएगा ओके जब भी कोई रेंटिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है तो रेंटिंग में हम दो सर्विसेज देख रहे हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कौन सा एक तो रेंटिंग में आपको याद होगा तो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट रिलीजियस ओके रिलीजियस ट्रस्ट वाला अगर आपको याद होगा तो रिलीजियस ट्रस्ट में हमने क्या देखा वो अगर प्रेसिंग रेंट पे देता है ओके रेंट पे दे रहा है और रेंट प्रिसिंक्स दे रहा है ओके ओके जाने दो ये मेरी डॉक्टर जैसी लैंग्वेज स्पेलिंग वेलिंग मत देखना कंसेप्ट को देखना तो यहां पे रेंट और आप भी ऐसे यूज करो बिल्कुल आपको ही नहीं समझना चाहिए तो अगर वो प्रेसिंग्स जो है यहां पे रेंट पे दे रहा है तो उन्होंने रूम के बारे में कहा क्या कहा रूम के बारे में कहा कि अगर यहां पे एक और अबो होगा एक या अबो होगा तो वो टैक्सेबल है वो यहाँ पे टैक्सेबल है एक हज़ार या वो होगा तो वो केस में वो टैक्सेबल माना जाएगा मतलब एग्जम्पन अगर चाहिए सुनो अगर एग्जम्पन चाहिए तो एग्जम्पन में लेस देन वन थाउजेंड होना चाहिए लेस देन वन थाउजेंड होना चाहिए चलिए 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 तो एग्जम्पन मिलेगा और यहाँ पे क्या फर्क है यहाँ पे ये जो है ये प्रिसिंग्स नहीं है नॉर्मल में रूम पे दे रहे रूम ड्वेलिंग सॉरी होटल वाले रेंट पे दे रहे हैं ओके okay, यानी अगर धर्मशाला रिलीजियस ट्रस्ट की धर्मशाला है ओके okay, और धर्मशाला पे रूम रेंट पे दिया जा रहा है तो वहां पे भी धर्मशाला में अगर रूम रेंट पे दिया जा रहा है तो वो सिचुएशन में वड़े एक हज़ार से नीचे होना चाहिए और अगर वही होटल में अगर आप यहाँ पर शिरढ़ी जाते हो और शिर्डी में आप धर्मशाला में रुकते हो तो क्राइटेरिया एक हज़ार से नीचे होना चाहिए लेकिन आप कोई लॉज में रुकते हो जो प्राइवेट लॉज है या होटल में रुकते हो तो ऐसे सिचुएशन में वो कहते हैं ओके यहां पे क्या वर्ड कहते हैं बेटा क्या ये वर्ड क्या कहते हैं यहां पे तो वो कहते हैं सप्लाई ऑफ यूनिट और इक्वल्स टू और मतलब एग्जाम आपको कितना तो इक्वल्स इक्वल्स टू टू का मतलब वन थाउजेंड और बिलो ओके बिलो और इक्वल्स टू मतलब यहां पे एक वर्ड ऐड करना टाइप नहीं हुआ है और वो बिलो बिलो और इक्वल्स टू वन थाउजेंड बिलोर इक्वल टू वन थाउजेंड तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ओके मेन डिफरेंस क्या है आप धर्मशाला में रुकोगे धर्मशाला में रुकोगे और डॉट वन थाउजेंड रेंट है टैक्स प्लानिंग डॉट वन थाउजेंड रेंट है तो टैक्स है वन थाउजेंड रेंट है तो टैक्स है लेकिन होटल और लॉज में डॉट वन थाउजेंड है तो यहाँ पे एग्जम्ट है यहाँ पे एग्जाम क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया है बिलो और इक्वल्स टू वन थाउजेंड तो यहाँ एग्जाम है तो ये दोनों का डिफरेंस आप सभी को समझ में आया आपको डिफरेंस समझ में आया बेटा येस और नो बेटा कल का लेक्चर हुआ ही नहीं आपको डिस्कशन समझ में आ रहा होगा तो आप कनेक्ट हो गए होगे ना कल का लेक्चर हुआ ही का वेरी गुड वेरी गुड चलो ओके डन अब आते बेटा नेक्स्ट इसमें आ जाइए एंटरटेनमेंट सेक्टर से रिलेटेड कुछ एक्जन देखेंगे एंटरटेनमेंट सेक्टर से रिलेटेड कुछ एक्जिम्स देखेंगे यहाँ पे मैंने जो कलेक्ट किया है जस्ट मिनट देखो पहला एग्जामेशन है क्लासिकल और फोक आर्टिस्ट ये ये जो इंपॉर्टेंट है क्लासिकल और फोक आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म म्यूजिक डांस और थिएटर इफ कंसीडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज मोर देन फिफ्टी लैक्स वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन फिफ्टी लैक्स एक्सक्लूडिंग द सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसिडर मतलब सबसे पहले तो ये एग्जामेशन कोई भी आर्टिस्ट को नहीं है ये आर्टिस्ट फोक या क्लासिकल डांस में होना चाहिए क्लासिकल आर्ट फॉर्म होना चाहिए सर फोक एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म क्या डिफाइंड है नहीं आपको डिक्शनरी मीनिंग लेना पड़ेगा लेकिन जैसे राजस्थान का फोक डांस है गुजरात का है उड़ीसा का है आसाम का है तो ये जो फोक डांस है या म्यूजिक है या फिर यहाँ पे थिएटर परफॉर्मेंस है या क्लासिकल आर्ट है ओके भरतनाट्यम वगैरह

तो एग्जम्शन है अगर एक लाख पचास हजार से ज्यादा अगर कोई स्टेज परफॉर्मेंस का पैसा लेते हैं और परन्स डेढ़ लाख या उससे कम होगा तो एग्जम्पन मिल जाएगा लेकिन एक्सक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेडर ठीक है ओके एक्सप्लोरिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसिडर लेकिन वही आर्टिस्ट अगर कोई कंपनी का ब्रांड एम्बेसिडर होगा तो फिर एक रुपया भी होगा तो टैक्सेबल होगा यानी कोई कंपनी उसे भाई हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो और हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आज डांस प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हमारे प्रोडक्ट को आप प्रमोट करो ओके एज अ ब्रांड एम्बेसिडर प्रमोट करो तो ऐसे सिचुएशन में वहां एग्जामेशन नहीं मिलेगा एक एक रुपया भी होगा तो टैक्सेबल होगा अब मैं आपको एक बात और बता दू कि ये जो क्राइटेरियाज दिए गए हैं ये क्राइटेरिया यहां पे बेसिक डिडक्शन नहीं है ये क्राइटेरिया जो है एक लाख पचास हजार के ऊपर मतलब एक लाख अस्सी हजार हो होगा तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा तो जितना जितने भी में सुनिए जितने भी में क्राइटेरिया ये बेसिक डिडक्शन नहीं है ओके okay, ये जो क्राइटेरिया है यहां पे टोटल टैक्सेबिलिटी का ये है मतलब इसके ऊपर हुआ तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा दूसरा एंटरटेनमेंट सेक्टर में अगर देखा जाए तो सर्विस बाय ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टाइगर रिजर्व और जू तो यहां पे एडमिशन एडमिशन मतलब टिकट चार्जेस होते हैं बेटा ओके okay, यहां लिख दो टिकट चार्जेस तो अगर आप म्यूजियम में नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व या जू में जाते हो तो वो केस में एग्जामेशन मिल जाएगा नो अगेन एडमिशन यानी टिकट चार्जेस टू एंटरटेनमेंट इवेंट तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा कौन कौन से एंटरटेनमेंट इवेंट ओके यहाँ पे सर्कस uh, डांस और थेटरिकल परफॉर्मेंस और इंक्लूडिंग ड्रामा एंड बैलेट ओके तो यहां पे ड्रामा और ये ये लिया है मैंने दूसरा रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट और नेक्स्ट अवार्ड फंक्शन कॉन्सर्ट पैजेंट म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकोगनाइज तो जहां तक स्पोर्टिंग इवेंट है दोनों कवर किए एक रिक्नाइज कवर किया है और एक अदर देन रिकोगनाइज कवर किया है और अदर देन रिकोग्नाइज कवर किया है पे इसकी कोई मेमोरी टेक्निक बना लेना आपने और ये मेमोरी टेक्निक बना के याद रख लेना ठीक है अगर ये इवेंट्स हो गए स्पेसिफिक ये इवेंट हो गए तो उन्होंने यहाँ पे पाँच सौ रुपये का क्राइटेरिया दिया है मतलब अगर टिकट चार्जेस इज फाइव हंड्रेड और लेस आई रिपीट फाइव हंड्रेड और लेस तो एग्जाम ओके और फाइव से ज्यादा होगी तो फिर पूरे अमाउंट पे जी आएगा अब आप पढ़ते वक्त ध्यान दीजिएगा म्यूजियम पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व जू इसके अंदर पांच सौ रुपए का क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम बनाया कि भाई इसमें दोनों कंबाइन कर दिया भाई वो सर्कस देखने गया तो पाँच सौ रुपए का क्राइटेरिया आ जाएगा लेकिन वो बाद में सर्कस देखने के बाद वो बाद में वो म्यूजियम में चले गया और म्यूजियम में उसकी टिकट जो है दो हजार की थी तो वहाँ पांच सौ का क्राइटेरिया मतलब ना पूरा दो का दो हजार रहेगा तो आपको ये पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे और इसमें कोई मेमोरी टेक्निक लगा के लर्न कर लेना लर्न कर लेना सो दैट यहां जहां तक देखा जाए तो यस बेटा ओके पांच सौ रुपये के क्राइटेरिया पे एग्जम्शन रहे उसके बाद में नेक्स्ट वो क्या कवर करते हैं ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू तो आर्ट और कल्चर तो सबसे पहले तो मैं एक वर्ड पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा ट्रेनिंग एंड कोचिंग मतलब इंडिया में कोई भी इंडिया में कोई भी ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी का एक ट्रेनिंग लेते हैं जैसा आर्ट और कल्चर अब आर्ट और कल्चर में उन्होंने डिफाइन नहीं किया है लेकिन पुराना अगर मैं सर्विस टैक्स पढ़ाऊँ तो इसमें आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो डांस क्लासेस म्यूजिक क्लासेस स्कल्चर डिजाइनिंग स्कल्चर डिजाइनिंग होती है ना वो क्लासेस तो डांस म्यूजिक स्कल्चर डिजाइनिंग चार्जेस जो है इसमें कवर हो सकता है जो आर्ट और कल्चर रिक्रिएशनल एक्टिविटी कहा जा सकता है अब एक सवाल आ जाता है कि सर ये आर्ट और कल्चर होगा तो आर्ट और कल्चर में इंडिया में कोई भी सर्विसेज दो तो यहाँ पे एग्जम्शन मिल जाएगा ये आपको एक टैक्स प्लानिंग का एरिया बता रहा हूं मैं समझ लो कोई इनकम है ओके और आ, आपको वो थोड़ा मतलब रिजनेबल इनकम चार पांच लाख रुपए होगी और आपको जी एस में से एग्जम्पन करवानी है तो आप वाइफ के नाम पर या फिर ब्रदर सिस्टर के नाम से डांस क्लासेस कह दो वो जीएसटी में उसका बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि यहाँ मतलब रीजनेबल पचास लाख दो करोड़ एक करोड़ दो करोड़ नहीं पर तीन चार लाख आप जैसे आप आपका पता है आप ऑफिस में देखते हो आप जैसे इनकम टैक्स में थोड़ी बहुत हम इधर उधर कर लेते हैं वैसा आप जी में भी तीन चार लाख विदाउट जी जो है इधर उधर कर सकते हो इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर क्लासेस ठीक है उसके बाद में लेकिन स्पोर्ट्स होगा ओके स्पोर्ट होगा तो वो कहते हैं कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट देगा जो सेक्शन 12 ए ए ऑफ इनकम टैक्स Act में रजिस्टर है तो वही सिचुएशन में एग्जामेशन मिलेगा ध्यान सुनिएगा स्पोर्ट के केस में यहां पे चैरिटेबल ट्रस्ट को ही दिया गया आर्ट और कल्चर के केस में उन्होंने सबको ये एग्जामेशन दिया हुआ है चलिए बहुत बढ़िया और लास्ट एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेंस अंडर नाइनटीन फिफ्टी एक्सेट्रा तो वो कहते हैं कि अब यह ख्याल रखा प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट मतलब ताजमहल हो गया अजंता एलोरा हो गया ऐसे इंडिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उसमें जो टिकट चार्जेस है बिना कोई लिमिट के मतलब यहां कोई पांच सौ रुपए की लिमिट नहीं लगेगी और बिना कोई ओके बिना कोई लिमिट की जो है यहां पर आपको ये एग्जामेशन के बेनिफिट मिल जाएंगे आई होप यू अंडरस्टैंड यस और नो तो इतने एंटरटेनमेंट सेक्टर के एग्जामेशन हमें देखने हैं क्लियर यस और नो चलिए अब इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट हो गए तो मैं सबके डाउट एक साथ एंटरटेन कर लेता हूं सबसे पहले तो हमारे सॉफ्टवेयर में उनको प्रायोरिटी मिलेगी इसलिए आप जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर ज्वाइन कर लो और जिसके नहीं हो रहे आज हो जाएंगे सवाल है सर लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एक्सेट्रा रजिस्टर्ड ओनली फॉर टीडीएस परपज तो एग्जाम है ना इन जनरल नहीं बेटा सबको नहीं है ओनली फॉर टीडीएस पर्पज सिर्फ यहाँ पे जीटीए है और सिक्योरिटी सर्विसेज है बस दो को ही एग्जाम सॉरी जीटीए कोई एग्जाम है सबको नहीं है ना एग्जाम फिर धीरज ने एक सवाल पूछा है अगर मैं इंडिविजुअल ने कहीं कमर्शियल बिल्डिंग में गाला लिया है और उससे रेंट पे दिया हो तो मुझे रेंट इनकम पे जीएसटी पे करना पड़ेगा क्या कमर्शियल बिल्डिंग है तो करना पड़ेगा कमर्शियल बिल्डिंग है तो करना पड़ेगा इफ लॉन्गेस्ट इज द क्राइटेरिया टू डिफाइन रेसिडेंशियल हॉस्टल सर्विस ऑल्सो बी एक्ट मेरे हिसाब से ये yes. और पुणे में तो हम जितने भी हॉस्टल है सबको कह रहे कि वो रहेगा पर वो डेली बेसिस के चार्जेस नहीं होने चाहिए लॉन्गर स्टे के चार्जेस होने चाहिए नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेली बेसिस वो मोड नहीं होना चाहिए तो मिल जाएगा हॉस्टल में हमने हॉस्टल पीजी ले लिया सर मैंने यहाँ पे बॉक्स से डाउट पूछ रहा है आगे जा नहीं रहे है आ, आ रहे बेटा अब सर क्लासिकल और फोक आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन होना चाहिए या कोई भी जो यह सर्विस प्रोफेशन जरूरी नहीं है क्लासिकल और फोक, आ, फोक डांस के लिए आपके पास कोई सर्टिफाइड डिग्री डिप्लोमा ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ठीक है तो थोड़ा टैक्स प्लानिंग कर सकते हो सर रेंट ऑन इमोबल प्रॉपर्टी वाला डाउट है ले लूंगा बेटा मैं डोंट वरी इधर कोई डाउट है क्या नहीं यार अब तो आप अब मैं इनअप मैचड हो जाओ मैं डाउट के लिए अलग सेशन रखूंगा ना मैं इन बिटवीन नहीं तो फिर तो रिविजन करना मुश्किल हो जाएगा यहां पे तो मैं ले लूंगा आपके डाउट यस प्रणीत मल्टीपल इनवाइस कर, रेस करके आप प्लानिंग तो कर सकते हो ठीक है चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट डिस्कशन पे नेक्स्ट बेटा ट्रांसपोर्ट सेक्टर लूंगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैं यहां दो सेक्टर लेने वाला हूं पहले पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और दूसरा जो है यहां पे गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस Uh, आपकी रेगुलर बुक अगर आपके पास होगी तो वो आपने रखना मैंने डायरेक्ट चार्ट में ये रिवीजन जो है मैं डायरेक्ट चार्ट से लेने वाला हूं ठीक है और चार्ट से ही लर्न रखना तो लर्न करना तो आपको इजीली याद हो जाएगा ओके okay, सबसे पहले जब भी आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है इसकी कोई ना कोई एडजस्टमेंट होती है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ये एग्जाम्शन जरूर आपको याद रखना है ओके okay, मैंने ओके okay, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चार पांच एग्जाम्शन है उनको कंबाइन करके आई रिपीट उनको कंबाइन करके यहां पे जो है आपको एग्जाम्शन का चार्ट बना के दिया है आपको एग्जाम्शन के सीरियल नंबर वगैरह बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं तो चलिए यहां पे सबसे पहले पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर लेते हैं पैसेंजर सेक्टर वो गवर्नमेंट का हो या किसी का भी हो उन्होंने एग्जाम देते वो किस कैसे ख्याल रखा तो आपको देखो यहां कैसे याद रखना है इंडिया में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एक तो रोड मोड हो सकता है रेलवे हो सकता है वाटर हो सकता है और एयर हो सकता है ओके बस ये अभी चार ही मोड है जिससे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होते हैं और रोप वे रोप वे एक दो जगह है और रोप वे वो आप वो भी ले सकते हो रोप वे तो वो भी एक मोड हो सकता है अब देखो कहां टेक्सीबिलिटी और कहा एग्जाम्शन है यहाँ क्लियर हो जाओ ओके रोड से जा रहे हो तो रोड के केस में सबसे हम लेते हैं पे बसेस ओके बसेस में दो पार्ट है एक स्टेज कैरेज और एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज स्टेज कैरेज मतलब ब्रॉड सेंस में अभी इतना समझ लो कि गवर्नमेंट बसेस ओके स्टेज कैरेज यानी आपको अगर लिखना होगा तो गवर्नमेंट बसेस तो ऐसे सिचुएशन में बेटा स्टेज कैरेज होगा तो ख्याल रहे वो क्या कहते हैं गवर्नमेंट बसेस जो होगी ओके यहां पर नॉन ए स्टेज कैरेज होगा तो एग्जाम लेकिन यहां <coughs> स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की जो बसेस है गवर्नमेंट बसेस है एसी होगी तो टैक्सेबल नॉन एसी होगी तो एग्जम एसी होगी तो टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी प्राइवेट बसेस ये प्राइवेट बसेस में एसी सी बसेस मतलब यहाँ पे स्टेट ट्रांसपोर्ट की नहीं है जैसे आ, आप महाराष्ट्र के और आपके एरिया में भी होगा जैसे महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट की शिवशाही और शिवनेरी ऐसे स्टेट ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की बसेस है जो एसी बसेस है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर है और एसी बसेस होगा तो टैक्सेबल होगा नॉन एसी बसेस होगी प्राइवेट ऑपरेटर की नॉन एसी बसेस होगी प्राइवेट ऑपरेटर की तो उनको भी एग्जाम दिया गया है लेकिन वो नॉन एसी बसेस जो प्राइवेट ऑपरेटर है वो टूरिज्म के लिए कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए दे रहे हैं टूरिज्म है कंडक्टेड टूर है, है चार्टर है हायर है समझ so, लो <coughs> कोई ट्रिप जा रही है उसके लिए दिया जा रहा है कोई कंपनी को चार्टर या हायरिंग दिया जा रहा है दो तो टैक्सेबल है अदरवाइज एग्जम्ट है इसको सिंपल वे में कैसे याद रखें <coughs> यहां पे बाय रोड अगर ट्रांसपोर्ट होता है पैसेंजर वाला ओके तो उसमें स्टेज कैरेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है ख्याल रखे स्टेज कैरेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है एसी टैक्सेबल है नॉन एसी एग्जाम दोनों के लिए एग्जाम बस ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में जहां तक देखा जाए तो टूरिज्म के लिए होगा नॉन ए सी नॉन ए सी टूरिज्म के लिए होगा कंडक्टेड या चार्टर टूर के लिए होगा तो वो जो है यहां पे टैक्सेबल माना जाएगा चलिए उसके बाद में बाय रोड हम दूसरा लेते हैं मीटर कैब या ऑटो रिक्शा होगा एक बार फिर से मीटर कैब या ऑटो रिक्शा से कोई भी सर्विस जाती है तो कवर्ड इन लेकिन मोटर क्या होगा मोटर क्या मतलब टैक्सी प्राइवेट टैक्सी जिसमें मीटर वीटर नहीं लगा है आप वो जो फिक्स अमाउंट देते हो उसको दो हजार तीन हजार जो आप हायर करते हो प्राइवेट टैक्सी तो प्राइवेट टैक्सी एसी नॉन एसी कुछ भी हो टैक्सेबल होगा और रेडियो टैक्सी मतलब ओला उबेर वगैरह जो होगा वो भी टैक्सेबल किया जाएगा हाँ जो मीटर गया पे, मीटर लगा होता है या ऑटो रिक्शा है तो उनको एग्जामेशन दिया गया तो ये पैसेंजर जो है नॉर्मली रोड से ये दो कन्वेंस यूज करता है या बसेस या फिर कैब्स या टैक्सीस तो उनको यहाँ पे एग्जामेशन दिया गया है और कहाँ टैक्सेबल है ये ध्यान रखना तो पूरे सिनारियों में नॉन एसी सी यहाँ पे एग्जाम दिया है और यहाँ पे ओनली मीटर कैब या ऑटो रिक्शा को एग्जाम दिया है, बाकी सब टैक्सेबल है चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें रेलवे रेलवे में है। अब देखो बेटा रेलवे में रेलवे में या फर्स्ट क्लास होगा ध्यान सुनिएगा बाय रेल जा रहा है फर्स्ट क्लास और एसी कोच यानी एसी क्लास ये टैक्सेबल होगा बाकी रेलवे के पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाकी सब एग्जाम ओके अगर हम रेलवे की बात करें तो इतना ही टैक्सेबल बाकी एग्जाम मेट्रो मोनो रेल होगा तो क्यों नहीं एसी सी दिस आयरनी गवर्नमेंट इंडिया में मेट्रो मोनोरेल और ट्रैनवे को प्रमोट करना चाहती है तो मेट्रो मोनोरेल ट्रैनवे होगा तो वो केस में इसको जो है एग्जम्पन है क्यों ना वो एसी हो पर नॉर्मल रेलवे है तो एसी और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है अब यहाँ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं उन्होंने सिर्फ ए नहीं कहा कुछ रेल में फर्स्ट क्लास कोच होते हैं तो फर्स्ट क्लास कोच टैक्सेबल रहेगा और यहाँ पे पैसे क्यों ना इंडियन रेलवे हो पर यहाँ फॉरवर्ड चार्ज आता है अगर आपको याद होगा तो गवर्नमेंट सेक्टर में पैसेंजर और गुड्स ट्रांसपोर्ट रिवर चार्ज में नहीं वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्सेबल होगा ठीक है उसके बाद में वाटर वाटर में जो सर्विस है इनलैंड वाटर वे लिखना हो तो क्यों लिख लो बाय रिवर बाय रिवर ट्रांसपोर्ट होता है इनलैंड वाटर वे ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको एग्जम्पन है लेकिन अगर बाय वेसल होता है अब ख्याल रखिएगा वाई वेसल यानी एक तो जो वाटर से पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक तो रिवर होता है रिवर के केस में उन्होंने कंप्लीट एग्जम्पन दिया हुआ है लेकिन बाय सी रूट वेसल यूज कर रहा हो तो आप लिख सकते हो ओके okay, यहां पे सी रूट यूज किया जा रहा है सी रूट यूज किया जा रहा है और यहां ये रिवर रूट यूज किया जा रहा है ठीक है तो सी रूट होगा अगर वो वेसल प्री टूरिज्म के लिए होगा तो टैक्सेबल लेकिन प्री डोमिनेंटली अदर ना पब्लिक के लिए होगा तो एग्जाम मतलब गोवा में गोवा का जो वेसल यूज किया है वो तो वो उसको लाइसेंस ही टूरिज्म का है ओके okay, तो टूरिज्म के लिए होगा तो वो टैक्सेबल होगा फिर उसमें एक नॉर्मल पब्लिक क्यों ना हो वो पब्लिक टूरिज्म वेसल में बैठ गया टूरिज्म टूरिज्म है और वगैरह में बैठ गया अब वो टूरिस्ट नहीं भी होगा वो टूरिस्ट है है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं अगर आपका वेसल टूरिज्म के लिए होगा तो जो भी उसके टिकट चार्जेस हो वो टैक्सेबल होगा लेकिन अगर वही वेसल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे मुंबई टू कोकन मुंबई टू गोवा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा टूरिज्म नहीं है सिचुएशन तो में उसको एग्जन मिल जाएगा एयर ट्रांसपोर्ट ओके ये देखो मैंने तीन चार एग्जाम को मिलकर ये चार्ट बनाया और ये बहुत ही परफेक्ट चार्ट है। आपने इतना भी याद रख लिया तो इनफ है एयर ट्रांसपोर्ट देखो क्या कहते हैं वैसे लेकिन अगर ये एयर ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर एम्बार्किंग एम्बार्किंग मतलब बोर्ड कर रहा है बोर्डिंग और टर्मिनेटिंग इन अ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड तो उसको एग्जाम्शन मिल जाएगा मतलब अगर वो यहां से इन नोटिफाइड स्टेट में जा रहा है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट नहीं है वो अलग ये एग्जम्पन के नोटिफाइड स्टेट्स है तो अगर यहां से वो ये ये स्टेट्स में जा रहा होगा या वहां से आ रहा होगा एम्बार्किंग या टर्मिनेटिंग दोनों भी कवर किया है जा रहा होगा इन नोटिफाइड स्टेट में या आ रहा होगा तो उस एयर टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा नाउ नेक्स्ट बाकी पूरा एयर ट्रांसपोर्ट टैक्सेबल है आई होप आपको जो है यहाँ पे पूरा एग्जामेशन समझ में आ गया होगा अलग अलग सेक्टर के ओके okay, यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्शन है वो हमने लिए नीचे मैंने डायग्राम भी ली है तो ये डायग्राम आप यहाँ पे डायग्राम से समझाओ तो मैंने दिया है अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बस है और प्राइवेट बस है प्राइवेट बस है तो टैक्सेबल अगर ए होगा तो ए होगा तो टैक्सीबल आपको लिखना है तो लिखना ओके रेडियो टैक्सी होगा तो टैक्सीबल यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी होगी प्राइवेट टैक्सी होगी तो ये भी टैक्सीबल अगर स्टेज कैरेज होगा ये स्टेज कैरेज है ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज था स्टेज कैरेज होगा तो टैक्सीबल अगर ए होगा तो ए होगा तो टैक्सेबल नॉन ए होगा तो एग्जाम आप वो भी लिख दो नॉन ए होगा तो एग्जाम ए होगा तो टैक्सेबल मीटर क्या जहां मीटर लगा हुआ है तो वो एग्जाम और ऑटो रिक्शा वो भी सम ओके और यहां पे एक आप अपने तरफ से ऐड कर सकते हो इस डायग्राम में एसी टैक्सेबल और एग्जाम अगर नॉन एसी होगा तो नॉन एसी होगा तो एग्जाम यहां पे भी नॉन एसी होगा एग्जाम रहेगा अगर वो नॉन एसी होगा तो ये बाय रोड हमारा हो गया ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें रेलवे रेलवे मेट्रो मोनो रेल अब ये आप डिजाइन देख रहे हो यहाँ पे बेटा ये मेरी पूरी टीम डिजाइन करती है यहाँ पे अगर हम रेलवे की बात करें तो एसी टैक्सीबल फर्स्ट क्लास टैक्सीबल स्लीपर क्लास एग्जाम जनरल एग्जाम मेट्रो मोनो रेल ये एग्जाम ये एग्जाम टी रहेगी एयर ट्रांसपोर्ट पूरा का पूरा टैक्सेबल है पूरा का पूरा टैक्सेबल है पर आप लिख सकते हो नोटिफाइड एरिया तो एग्जाम नोटिफाइड एरिया एरिया तो दोनों एम्बार्किंग और टर्मिनेशन और टर्मिनेशन एग्जाम रहेगा नोटिफाइड एरिया एम्बार्किंग और टर्मिनेशन एग्जाम रहेगा और दूसरा ये समझ लो इनलैंड वाटर यानी रिवर ट्रांसपोर्ट है ये तो पूरा एग्जम रहेगा बाय रिवर पैसेंजर जाता है तो टिकट पे कोई जीएसटी नहीं लेकिन बाय सी जाता है यह वेसल है और ये अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो एग्जाम। अगर ये टूरिज्म के लिए है तो टैक्सेबल प्रीडोमिनेंटली टूरिज्म के लिए तो टैक्सेबल। उसके बाद में रोप वे वगैरह तो तो सब टैक्सेबल है ठीक तो है।, है तो यह हमने देखा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमने देखा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस डन आपके कोई डाउट्स कोई सवाल यस यस मीटर क्या आप काली पीली बराबर है काली पीली रोपवे कंप्लीटली टैक्सेबल चलिए अब बेटा नेक्स्ट एग्जामेशन लेंगे हम गुड्स ट्रांसपोर्ट के यहां पे ये टाइटल नहीं आया आप लिख देना ये पैसेंजर नहीं गुड्स ट्रांसपोर्ट के एग्जामिशन लेंगे ठीक है अब गुड्स ट्रांसपोर्ट के एग्जामिशन हम मैंने इधर लिए हैं ये इसको भी चार्ट से समझ लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा मैंने यहाँ लिया हुआ है और अदर एग्जामिशंस मैंने इधर लिए है चलो ठीक है ये देखो अब देखो यहाँ पहले तो टाइटल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ये सर्विसेस नहीं चाहिए ये गलती से आया है यहाँ पे ठीक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड रेलवे इनलैंड वाटरवे अब गुड्स जो जा रहा है और एयर वेसल पाइपलाइंस और कंड्यूट ठीक है अब अगर गुड्स रोड से जाता है गुड्स रोड से जाता है इसको कैसे रीड करना देखो कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट अगर रोड से होता है तो एग्जाम एक्सेप्ट जीटीए एंड कुरियर ओनली जीटीए और कुरियर टैक्सेबल है बाकी सब एग्जम बाकी सब एग्जाम मतलब आप बुलक कार से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एनिमल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इंडिविजुअल व्हीकल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो जो जीटीए नहीं है इंडिविजुअल व्हीकल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो जीटीए नहीं है तो बाकी सब एग्जमट है सिर्फ यही टैक्सेबल होगा ठीक है जीटीए <तीज़ा> और कुरियर तो रोड पे हमने देखा ऑनली जीटीए और कुरियर टैक्सेबल है रेलवे रेलवे से अगर गुड जाता है तो फुल्ली टैक्सेबल है कोई एग्जम्पन नहीं है इनलाइन वाटर वे इनलाइन वाटर रिवर ट्रांसपोर्ट होता है तो है आई रिपीट इनलाइन वाटर रिवर ट्रांसपोर्ट होता है तो है अब एयर और वेसल से देख लो वो क्या कहते हैं एयर और वेसल से वो ये कहते हैं जस्ट मिनट बेटा आ जाइए और एयर और वेसल से अब वो क्या कह रहे देखो अगर यहां पे गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया वहां से गुड्स इंडिया में आ रहा है तो बाय एयर वो एग्जाम है बाय एयर वो एग्जाम है ठीक है बाहर से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है इंडिया में बट बाय वेसल होगा तो वो टैक्सेबल है बाय वेसल होगा तो टैक्सेबल है ध्यान रखना दूसरी बात आपको कह दूं बाय वेसल में जो वेसल ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है फॉरेन शिपिंग कंपनी होगी तो रिवर्स चार्ज है इस पे हमने बात कर ली थी और डबल टैक्सेशन भी हो सकता है क्योंकि कस्टम में भी ऐड होता है और इधर भी ऐड होता है और इंडियन शिपिंग कंपनी होगी तो फॉरवर्ड चार्ज है और ये वेसल वाला दो बार टैक्स में आता है कस्टम में भी आता है और आपको अलग से इसका जीएसटी भी देना पड़ेगा हम डिस्कस कर चुके मैं रिपीट नहीं करूंगा लेकिन एयर वालों को एग्जाम दिया है एयर से अगर गुड्स आता है तो दूसरा अगर आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट एयर वेसल से होते हैं और विद इन इंडिया होते हैं फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन टू तो अनादर तो वो केस में टैक्सेबल है वहां कोई एग्जाम्शन नहीं है और इंडिया से इंडिया के बाहर होते हैं तो वो केस में अभी इनको एग्जामेशन दिया है जो यहां डेट बढ़ा देना ओके तो डेट बढ़ चुकी है तो ये उन्होंने यहां पे दिया हुआ है ठीक है बाय एयर इंडिया से इंडिया के बाहर यानी एक्सपोर्ट गुड्स से आप सर्विसेज दे रहे तो है ये तीन पॉइंट ध्यान रखना एयर और वेसल से रिलेटेड स्पेसिफिकली बाहर से इंडिया में आया और वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी तो एयर से एग्जाम वेसल से टैक्सेबल उसमें भी फॉरेन शिपिंग कंपनी होगी तो रिवर्स चार्ज है विद इन इंडिया होगा तो टैक्सेबल और यहां पे इंडिया से सुनो इंडिया से बाहर हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे एक्सपोर्ट गुड्स से रिलेटेड तो एग्जाम रहेगा अभी तो एग्जाम है और पाइपलाइंस और कंड्यूट्स जो है अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू पाइपलाइन और कंड्यूट्स तो ये पूरा टैक्सेबल है चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन नहीं है ठीक है अब मैं आपका ध्यान इस पर लाना चाहूँगा ये जो जी टी ए टैक्सीबल है रेलवे टैक्सेबल है तो इन्होंने यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन है बहुत सी एडजस्टमेंट में पूछा जाता है और ये एग्जाम्पन क्या है ंग गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जीटी रेल और वेसल यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो बाय रोड रेल या वेसल जो रेल फुलसल इंडिया जो फुल टैक्सेबल है ओके वेसल देन देर एक्सम्पटेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अभी मैं नीचे पढ़ाने वाला हूं ये एग्जम्पन एयर को नहीं है ये जीटीए रेल और वेसल को ही एग्जाम्शन है और एग्जाम्शन ये है कि अगर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसकी डेफिनेशन हम आगे देखेंगे ठीक है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय ट्रांसपोर्ट होता है ट्रक में रेल में रेल वेसल तो उसके फ्रेट पे जीएसटी नहीं आएगा उसके बाद में मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन फ्लोर पल्सेस और राइस ये लिस्ट लर्न का कर करना पड़ेगा मिल्क सॉल्ट फूड फूडग्रेन फ्लोर पल्सेस और राइस ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आते हैं इवन दो वो एपी नहीं में नहीं आते हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आते हो गए तो भी उसको एग्जाम्शन दिया गया है नेक्स्ट ऑर्गेनिक मैन्योर होगा मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह और ये जीटीए रेल और वेसल से ट्रांसपोर्ट होता है तो एग्जाम न्यूज पेपर और मैगजीन्स हो गए तो एग्जाम रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स होगा तो एग्जाम है डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट होंगे तो एग्जम्ट है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर मोना डी आर एम ओ एन ओके डॉक्टर मोना में याद रख सकते हो डी फॉर अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो डी फॉर यहां पे डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, आर फॉर रिलीफ मटेरियल ओके okay, एम फॉर यहां पे आप ले सकते हो मिल्क फूड ग्रेन वगैरह एम फॉर ओ फॉर ऑर्गेनिक मैन्यूर और एन फॉर ओके एम ओ एन एन न्यूज पेपर और ए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये मैंने अपनी मेमोरी टेक्निक बनाई अगर ये गुड्स जीटीए रेल और वेसल से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो केस में एग्जामेशन मिल जाएगा ठीक है इसके फ्रेट पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे तो ये लिस्ट आपको रख रक, याद रखनी है डॉक्टर मोना नाउ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का डेफिनेशन हम आगे देखेंगे उसके बाद में जीटीए को भी एक बेसिक एग्जाम्शन दिया गया है।

यहां पे अब देखो ये ऑनली GTA को बेसिक एग्जाम्शन दिया गया है अब वो क्या एग्जाम्शन दिया गया ध्यान से सुनिएगा पहला यहां पे अगर आपका GTA सर्विस है पहली बात तो मैं आपको ये कह दू कि आपका ओन इंडिविजुअल व्हीकल होगा और आप GTA नहीं है मतलब आपने अपना व्हीकल खरीदा एज अ एजेंसी वर्क नहीं कर रहे हो आप अपने व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करते हो तो वो जीटीए में नहीं आता है और वो वैसे भी एग्जाम पूरा एग्जाम है ठीक है थीके? यहां पे आप गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो और आप अपने व्हीकल में एक व्हीकल में एक ही कंसाइनमेंट लेके जा रहे हो एक व्हीकल में कंसाइनमेंट एक ही कंसाइनमेंट लेके जा रहे हो और वो एक कंसाइनमेंट जो आप लेके जा रहे हो उसकी फ्रेट चार्जेस पंद्रह सौ रुपए या उससे कम है तो वो एग्जाम है अगेन आई रिपीट आप जीटीए हो थोड़ा स्लो चल रहा हूँ फास्ट okay, कई स्लो तो इस तरह से हमारा रिवीजन बैच अच्छे से हो पाएगा तो अगर आप जी टी दूसरा आपके में आपके ट्रक में आप एक ही कंसाइनमेंट लेके जा रहे हो और जिसका एक ही कंसाइनमेंट जिसका फ्रेट यहाँ पे पंद्रह या उससे कम है तो एग्जाम दूसरा गुड्स अगर आप जीटीए हो और आपके ट्रक में आप एक से ज्यादा कंसाइनी के कंसाइनमेंट लेके जा रहे हो समझ लो यहां से पुणे से एक कोई ट्रक जो है वो नागपुर जा रहा है और वो दस बारह लोगों की गुड्स लेके जा रहा है अपने ट्रक में तो फिर अगर उसमें एक ही नहीं कंसाइनमेंट उसमें एक से ज्यादा है तो फिर आप सेकेंड इसमें आ जाना अगर पर कंसाइनी आई रिपीट पर कंसाइनी वहां उसमें फ्रेड जो है वो उस कंसाइनी का सेवन से कम होगा कंसाइनी का सेवन या उससे कम होगा तो उस कंसाइनी के फ्रेट में जीएसटी नहीं लगेगा लेट्स एग्जांपल। यहाँ पे मैं जो है एक ट्रक जो है यहाँ पुणे से जा रहा है नागपुर और उसमें मेरा कंसाइनमेंट जा रहा है मैं भी एक कंसाइनी हूँ किसी और का भी जा रहा है किसी तीसरे का भी जा रहा है लेकिन मेरा जो गुड्स जा रहा है मेरा फ्रेट पाँच सौ रुपये ही है दूसरे का जा रहा है उसका फ्रेट दो हजार है तीसरे का जा रहा है उसका फ्रेट पाँच हजार है अब मेरा फ्रेट 500 है पर कंसाइन ओके यानी जो कंसाइनी को मैं भेज रहा हूं ओके तो मेरा फ्रेट जो कंसाइनी को मैं भेज रहा हूं पांच सो रुपए है तो मेरे फ्रेट अमाउंट पे जीएसटी नहीं आएगा ना फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज ना फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज लेकिन दूसरा एक कंसाइनी उसी ट्रक से दूसरा एक कंसाइनर है और वो कंसाइनी के लिए उसी ट्रक से भेज रहा है और उसका दो हजार है

हाँ, ख्याल सेकेंड वाला एग्जामिशन कंसाइनी बेस पे है। और अलग अलग कंसाइनी के लिए बुक किया है तो आपको कंसाइनर नहीं देखना कंसाइनर एक हो सकता है कंसाइनी देखना है पर सिंगल कंसाइनी मुझे एग्जामिशन मिलेगा ओके okay, तो यहाँ पे पहला जो कंसाइनी है उसको सिक्स हंड्रेड है तो वो एग्जाम सेवन फिफ्टी के नीचे दूसरा वाला एग्जाम तीसरा वाला टैक्सेबल और चौथा वाला भी टैक्सेबल क्योंकि पर कंसाइनी वो यहां पे सेवन फिफ्टी के ऊपर जा चुका है तो आपको कंसाइनी वाइज देखना है तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एग्जामेशन कवर किया है नीचे डायग्राम दी गई है बेटा ओके जो हमने एग्जाम्स देखे वो थोड़ा डायग्राम से भी मैं आपको समझा दूँ तो डायग्राम आपको हेल्प करेगी कंसेप्ट को याद रखने के लिए तो ये डायग्राम से अगर हम इसको समझते हैं तो देखिए वो क्या कहते हैं यहाँ पे जस्ट ए मिनट बेटा यस यस इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी एग्जम्प्ट है चलिए यहां पे अगर बाय रोड है तो जीटीए होगा समझ लो ये जीटीए यहां लिख दो जीटीए है तो ये जीटीए ये है या ये है ये टैक्सेबल जीटीए टैक्सेबल कुरियर टैक्सीबल बाकी बाय रोड होगा तो एग्जाम बाय रेल होगा तो पूरा टैक्सेबल है बाइक पाइपलाइन कंड्यूट होगा तो पूरा टैक्सेबल है एयर और एयरक्राफ्ट में बाहर से बाय एयर आ रहा होगा ध्यान सुनना बाहर से बाय एयर आ रहा होगा या गलती से टैक्सेबल हुआ है यहाँ एग्जाम कर देना बाहर से इंडिया में आ रहा होगा बाय एयर तो एग्जाम बट बाय सी रूट होगा तो टैक्सेबल ठीक है बाहर से इंडिया में बाय सी रूट होगा तो टैक्सेबल विद इन इंडिया होगा तो टैक्सेबल यहां पे बाय एयर विद इन इंडिया होगा तो ये भी टैक्सेबल बाय एयर विद इन इंडिया होगा तो ये भी टैक्सेबल और यहां से बाहर जा रहा है अगर आपको ये लिखना तो लिख देना यहां से एक्सपोर्ट गुड्स जा रहा है और ये भी एक्सपोर्ट गुड्स जा रहा है एक्सपोर्ट गुड्स जा, जा रहा है तो ये बेटा ये एग्जाम रहेंगे ये एग्जाम रहेगा और इनलैंड वाटरवे ये तो एग्जाम ही रहेगा इनलैंड वाटर वे ये तो एग्जाम रहेगा ठीक है इनलैंड वाटर वे ये एग्जाम रहेगा चलो ठीक है डन ये हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर खत्म हुआ कोई डाउट होगा कोई ऐसा कंप्लीट ट्रक सवाल है कि सर अगर ट्रक कंप्लीट बुक नहीं होगा तो उससे कोई कंसर्न नहीं एक ट्रक में एक ही कंसाइनमेंट जा रहा है दूसरा नहीं जा रहा है तो आपको पंद्रह सौ रुपए का एग्जीशन मिल जाएगा चलिए और कोई डाउट बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है अच्छे से रिविजन हो रही है यस और नो मुझे आपका आंसर चाहिए अच्छे से रिवीजन हो रही है ना हमारी बोलो 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 ये सर नो बोलते जाओ ये हुई ना बात सवाल है कि 1600 अगर फ्रेट चार्जेस हो गए तो 1600 तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा ये इस एग्जामिशन चैप्टर में सभी क्राइटेरिया है बेसिक डिडक्शन नहीं है चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा आप एग्रीकल्चर सेक्टर में इसमें भी बहुत सारे एग्जाम इतने सारे एग्जामिशन मैं कनेक्ट करूंगा मजा आएगा आपको सबसे पहले तो हमारा सीरियल नंबर 54 का एग्जामिशन में ले लेता हूं ठीक है अब थोड़ा यहां पे ऐसा समझना ये एग्जाम को आपको कैसे रीड करना है ये एग्जाम्शन को कैसे रीड करना है थोड़ा यहां देख लेना इतनी सारी एक्टिविटीज हाँ इतनी सारी एक्टिविटीज ए से लेके एच तक अगर ये एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे होती है तो एग्जाम नौ पहला पॉइंट हम सबसे पहले ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी समझ लेते हैं और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस समझ लेते हैं तो सो so दैट हमें ये होगा कि ये एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये समझ में आ गया तो ये एक्टिविटी इन द सेक्टर ऑफ कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर होती है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे होती है तो उसको एग्जिब मिल जाएगा सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कल्टिवेशन ऑफ लैंड और रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड फाइबर फ्यूएल रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट तो अगर ये एक्टिविटी एट एक्टिविटीज जो है इस पर होती है कल्टिवेशन ऑफ प्लांट और रेडिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल तो एग्जाम रहेगा दूसरा पॉइंट यहाँ कोई भी किसी को एग्जाम दे सर्विसेस दे एग्जाम है उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई एग्रीकल्चर इसको ही सर्विस देनी चाहिए उसका फॉर्म होना चाहिए नहीं ये जो हमने एक्टिविटी नोटिफाई की ये आपको लर्न करनी पड़ेगी और एग्रीकल्चर सेक्टर में यही एक्टिविटी का एग्जम्शन मिलेगा इसके अलावा दूसरे एक्टिविटी का एग्जम्पन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट अदर एग्जम्पन होगे तो बात अलग है अदरवाइज नहीं अब ये जो एक्टिविटीज़ है ओके okay, मैं थोड़ा फास्ट में पढ़ लेता हूँ फिर मैं एक एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगा ओके जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर ऑपरेशन है जैसा कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग प्लांट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा उसके बाद में हम अगर बात करें तो सप्लाई फार्म लेबर तीसरा जो एग्रीकल्चर फार्म पे एक्टिविटी होती है ट्रेंडिंग प्रूनिंग ड्राइंग ट्रिमिंग ओके रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और यहाँ पे रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हा वैकेंट लैंड जो है <coughs> वो उसके बाद में लोडिंग एंड लोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्सटेंशन सर्विस उसके बाद में एपीएमसी सर्विसेज कमीशन एजेंट सर्विसेज फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस सर्विसेज ये सर्विसेज होती है तो एक्जन है अब उसके बाद में हम देखेंगे पहले इसको समझ लेते ऑफ प्लांट और ध्यान okay, रखना अब ये आप जो दो एक्टिविटी कर रहे हो इन स्पेसिफिक पर्पज के लिए होगा तो ही कवर होगी एग्जाम कौन से आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फूड फाइबर रॉ रॉमरियल प्रोडक्ट के लिए होगा तो चलेगा समझ लो

तो ये यहाँ पे कुछ मिलने के लिए आप कर रहे हो तो ठीक है उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई फार्म पे ही होना चाहिए एग्रीकल्चर लैंड पे होना चाहिए आपका सिटी एरिया में बहुत बड़ा प्लॉट पड़ा हुआ है ओके एन प्लॉट है नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट है पचास हजार स्क्वायर फुट का प्लॉट पड़ा है और आप उसके ऊपर फ्लोरिकल्चर कर रहे हो चलेगा कल्टिवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लोरिकल्चर चलेगा इज इट क्लियर तो फूड फाइबर फ्यूअल रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए होगा तो उसमें आपको एक्जिशन चलेगा दूसरा रेरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स ओके वो भी आप जो एनिमल आप पाल रहे हो वो फूड फाइबर फ्यूल के लिए होना चाहिए तो आपको ये, ये सारे एग्जामेशन मिलेंगे मतलब क्या आप घर में पेट्स पाल रहे हो रेयरिंग ऑफ एनिमल पेट्स पाल रहे हो ओके okay, तो क्या ये फूड फाइबर के लिए नहीं तो आपको एग्जामेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा हाँ अगर आपका पोल्ट्री फार्म है या अगर आपका सेरिकल्चर है सिल्क फार्म है ओके okay, जो आप कुछ प्रोडक्ट मिलने के लिए जैसा सिल्क मिलने के लिए आप आ, यहाँ पे उनको पाल रहे हो पोल्ट्री फार्म है नेक्स्ट आपका कोई भी ऐसा फार्म जो फूड फाइबर फ्यूअल रॉ मटेरियल है काउ काउ का डंक है ओके okay, एग्जांपल लो मीट वगैरह है अब वो गलत बात है पर ठीक है जो भी मीट वगैरह है उसके लिए अगर आप रेरिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हो तो वो सिचुएशन में एग्जामेशन मिलेंगे ओके okay, ये एट एक्टिविटीज एक्टिविटीज के ये जो डिस्कशन करेंगे थीके? आपके में दूसरा में, 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 वो क्या कहते हैं अगर ये एक्टिविटीज ये एक्टिविटीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे होती है तो एक्जम्शन मिलेगा आई रिपीट ये एक्टिविटीज एग्रीकल्चर होती है एग्जाम्शन तो मिलेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, क्यों देखो बेटा एपी अगर आपका एपी में आता है तो आपको दो अलग अलग एंट्री में एग्जाम्शन है एक तो हमने अभी अभी गुड्स ट्रांसपोर्ट में देखा है गुड्स ट्रांसपोर्ट में जी होगा या फिर आपका जो है यहाँ पे रेल होगा या फिर वेसल होगा और ये यहां अगर एपी का गुड्स ट्रांसपोर्ट करते ध्यान सुनना ये एपी का गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो सिचुएशन में एग्जाम्शन दिया है और अगर आपका एपी है और ये एट एक्टिविटीज जो एंट्री नंबर सीरियल नंबर 54 में मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये सीरियल नंबर 54 में ये जो एक्टिविटीज है बेटा और ये एक्टिविटीज अगर एपी पे होगी तो एग्जाम तो अब एपी पी एवर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी क्या तो वो इस डेफिनेशन में फिट 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 फाट बढ़ना चाहिए तो आपको जो है ओके okay, यहाँ पे एग्जामिशन मिलेगा तो चलिए डेफिनेशन को देखते हो और ये लर्न करना डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से जहां पर मैं लर्न कहूं वहां एल कर देना वो करना ही पड़ेगा आपको दूसरा ऑप्शन नहीं मीन्स एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब ये दो एक्टिविटी से आने वाला प्रोड्यूस कल्टीवेशन ऑफ लैंड से आने वाला प्रोड्यूस या रेरिंग ऑफ एनिमल से आने वाला प्रोड्यूस उसे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहेंगे एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच ऑन विच इधर नो प्रोसेसिंग इज डन मतलब जैसा वो कल्टीवेशन से निकला ये रेरिंग ऑफ एनिमल से निकला बस वैसा उसके ऊपर कोई आपने प्रोसेसिंग नहीं की लेट्स एग्जांपल, आप आपका काउ फार्म है बफिलो फार्म है और मिल्क निकला रॉ मिल्क it's uh. हेलो मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को मेरी आवाज़ आ रही है सभी को यस और नो या बैकअप तो है बेटा लेकिन सडनली पावर कट हुआ है यहाँ पे तो उसके वजह से चलो सडनली पावर कट हुआ है तो उसके वजह से अभी तो पावर आ जाएगी हमारे पास आधे घंटे का तो बैकअप है हम कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है आधे घंटे का तो बैकअप है बेटा हम कंटिन्यू कर सकते हैं तब तक आ जाना चाहिए डन ओके बेटा और जो सॉफ्टवेयर में कनेक्टेड थे वो इधर शिफ्ट हो जाओ सभी सॉफ्टवेयर uh, में जो कनेक्टेड हो गए मैसेज दे दो बेटा कि यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाओ वो सॉफ्टवेयर में मुझे फिर से लिंक क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको टाइम लगेगा तो अभी यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाओ और नेक्स्ट टाइम अगर हमारे सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम आता है तो पहली लिंक हम कैंसिल करके मैं वापस एक सेशन तैयार करूंगा पार्ट टू करके और कभी पावर कट हो जाए तो पार्ट टू में आप फिर से रिजॉइन हो जाना धीरज सॉफ्टवेयर में मैसेज दे दो कि इधर शिफ्ट हो जाए क्योंकि वहाँ नया सेशन क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को ओके okay, वहाँ एक मैसेज दे दो बेटा कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ इधर मुझे वहाँ एक नया सेशन क्रिएट करना पड़ेगा आई डोंट नो सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं वापस रिकनेक्ट हो रहा है मैं चेक करता हूँ बेटा ठीक है चलिए बेटा तो यहाँ पे आ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर बंद हो गया था कंटिन्यू करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब क्या तो एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच इधर नो प्रोसेसिंग इज डन और सच प्रोसेसिंग इज डन एज यूजुअली डन बाय कल्टिवेटर और प्रोड्यूसर अब देखो यहाँ पे एक तो आपने कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी चाहिए जैसा है वैसा ही नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए या फिर कुछ प्रोसेसिंग अलाउड है यानी वो प्रोसेसिंग होने के बाद भी वो एपी का स्टेटस रखेगा यानी एग्जांपल की तौर पे कोई एपी एग्जांपल की तौर पे मैं अगर लू यहां पे तो यस yes, बेटा देखिए कोई प्रोड्यूस निकला और कोई प्रोड्यूस निकला और चलो उसके ऊपर प्रोसेस हो भी गई ओके okay, तो भी वो एपी का स्टेटस रहेगा और एपी का स्टेटस रहेगा तो ये सब उसको बेनिफिट्स मिल जाएंगे अब वो कैसे वो क्या कहते हैं कि कुछ प्रोसेस यूजुअली डन बाय कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर तो प्रोसेस अलाउड होगी विच नॉट अल्टर इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बट मेक इट्स कैरेक्टरिस्टिकटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट पर जो आप एक्स्ट्रा प्रोसेस कर रहे हो वो उसके एसेंशियल कैरेक्टर उसने चेंज नहीं करने चाहिए एंड मेक इट मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट और वो प्रोसेस सिर्फ प्राइमरी मार्केट तक मार्केटेबल के लिए होनी चाहिए इसका ये भी मीनिंग आता है कि अगर एपी प्राइमरी मार्केट से बाहर निकल गया तो फिर वो एपी नहीं रहता है ओके प्राइमरी मार्केट तक ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइमरी प्रोड्यूस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं जैसे टोमेटो डायरेक्ट फार्म से निकला एपी है ठीक है और प्राइमरी मार्केट तक जाने तक जो भी सर्विसेज होगी एग्जाम टोमेटो है और वो प्रोसेस होने के बाद अब वो ए, हाँ एपी है क्या पहली बात तो ऐस सच नहीं रहा दूसरा दूसरा प्रोसेस होने प्रोसेस जो हो रही है वो जो यूजुअली कल्टीवेटर को करना ही पड़ता है गुड्स को मार्केट में लाने के लिए प्राइमरी मार्केट में लाने के लिए कल्टीवेटर को करना ही पड़ता है तो ठीक है पर टोमेटो केचप जो है ये यूजुअल कल्टीवेटर नहीं करता है प्रोड्यूसर नहीं करता है टोमेटो केचप जो है ये ये जो है कोई थर्ड पर्सन कर रहा है जो एसेंशियल कैरेक्टर बदल रहा है और एसेंशियल कैरेक्टर बदल रहा है तो वो केस में वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर नहीं है दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन आता है शुगर केन जैसे शुगर केन जो है ये एपी है ठीक है डायरेक्ट फार्म से निकला है लेकिन शुगर ये एपी नहीं है जैगरी ये एपी नहीं है क्योंकि ये कल्टीवेटर नहीं करता है शुगर फैक्ट्री अलग है ओके okay, यहाँ पे जैगरी फैक्ट्री अलग है ये एपी नहीं करता है और वो एसेंशियल कैरेक्टर चेंज कर रहा है ऐसे केस में वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है नेक्स्ट अगर हम बात करें पोटैटो पोटैटो एपी है पर पोटैटो चिप्स एपी नहीं है ग्राम्स ग्राम्स एपी है पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पल्सेस ए नहीं है पल्सेस एपी नहीं है हाँ पर जैसे ग्राम्स चना चना एपी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर डायरेक्ट निकला है पर पल्सेस दाल मिल अलग है कल्टीवेटर नहीं करता है और वो नेचर चेंज कर रहा है इसलिए पल्सेस एपी नहीं है इन इन शॉर्ट पल्सेस से रिलेटेड अगर ये सर्विसेस होगी तो उसको एक्जम्शन नहीं मिलेगा उसको एग्जम्पन नहीं मिलेगा ठीक है नेक्स्ट रॉ कॉटन होगा ध्यान सुनिएगा एपी है पर जिन जिन कॉटन जो है ओके okay, जो रुई बनती है वो एपी नहीं है क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेस हो गई और वो कल्टीवेटर नहीं करता है ओके okay, यूजुअली नहीं करता है अब सब अगर सर कोई कल्टीवेटर का ही जीनिंग जीनिंग होगा तो हम बात कर रहे हैं यूजअली कल्टिवेटर नहीं करता है टू मेक इट मार्केटेबल वो नहीं करता है ओके रॉ कॉटन वैसे ही मार्केटेबल है ओके okay, वो जीनिंग एडिशनल तो प्रोसेस है जो यूजुअली कल्टीवेटर नहीं करता है उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पैडी पैडी जो है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पर राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है ओके ये पूरी कैटेगरी नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की है ओके नॉन ए पी है राइस वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं राइस ए पी नहीं है इज इट क्लियर तो यहाँ शुगर पल्सेस राइस ये ए पी नहीं है ठीक है क्योंकि राइस मिल अलग होती है कल्टीवेटर नॉर यूजुअली नहीं करता है ओके okay, और यहां पे ये जो है कैरेक्टर चेंज कर रहा है न उसके बाद में रेरिंग ऑफ काउ एग्रीकल्चर एक्टिविटी है काउ से आने वाला डंक एपी है रॉ मिल्क एपी है पर इसी मिल्क को अगर पॉस्चराइज कर दे तो पॉइराइज मिल्क एपी नहीं है क्योंकि ये यूजुअली कल्टीवेटर नहीं करता है उसके बाद में ग्रेन्स एपी है थ्रेशिंग यूजुअली कल्टीवेटर करता है थ्रेशिंग करने के बाद जो ग्रेन्स है वो एपी मानी जाएगी लेकिन यहाँ पे वो फ्लोर में कन्वर्ट हो गई तो वो एपी नहीं मानी जाएगी तो ये हमने कुछ डिस्कशन किया रिगार्डिंग टू एपी अब देखो हम एग्रीकल्चर और एपी से रिलेटेड क्लियर हो गया अब हम ये देखते हैं एग्जाम्सन पहला एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग प्लान प्रोटेक्शन सीड टेस्टिंग यानी एग्रीकल्चर फॉर्म पे अगर एक्टिविटी के लिए आपने प्राइवेट सर्विस लिया कल्टीवेशन के लिए थ्रेशिंग के लिए प्लान प्रोटेक्शन जीएसटी नहीं लगेगा दूसरा सप्लाय फार्म लेबर आई रिपीट सप्लाई फार्म लेबर जो है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा अगर आप कल्टिवेशन और रेडिंग के लिए फार्म लेबर ले रहे हो ओके okay, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए आप फार्म लेबर ले रहे हो तो वो केस में जीएसटी नहीं लगेगा नेक्स्ट प्रोसेस कैरिड आउट एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग प्रूनिंग कटिंग हार्वेस्टिंग ड्राइंग क्लीनिंग ट्रिमिंग सन ड्राइंग सॉर्टिंग रेडिंग कूलिंग बल्ब पैकेजिंग और लाइक ऑपरेशन विच नॉट चेंज द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ एपी यानी कैसा फार्म से वो गुड्स निकल गया और एग्रीकल्चर फार्म पे ही फार्म पे ही टेंडिंग प्रूनिंग कटिंग हो रहा है एपी पे ही, तो ये सर्विसेज अगर आपने प्राइवेट सर्विसेज लिया तो यहाँ पे आपको एग्जम्पन मिल जाएगा नेक्स्ट रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी कोई भी एग्रो मशीनरी है ट्रक है सॉरी यहाँ पे एग्रो मश ट्रैक्टर है या एग्रीकल्चर टूल्स है और वो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए होगा तो उसको एग्जम्पन मिल जाएगा एग्रो मशीनरी को वैकेंड लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू यूज जैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत दिया मतलब मेरी वैकेंड वा, लैंड थी मैंने वो किसी को फार्मिंग के लिए दे दी जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं तो आपने कोई अपनी वैकेंट लैंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तरह रेंट पे दे दी और वो रेंट का आपको पैसा मिल रहा है ओके विथ इंसिडेंटल स्ट्रक्चर उसके साथ आपका लैंड में वेयर हाउस था वो भी दे दिया ओके okay, कोई आ, यहाँ पे फार्म हाउस था वो भी दे दिया स्ट्रक्चर के साथ दे दिया तो वो भी एग्रीकल्चर सर्विस मानी जाएगी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा आई होप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसमें आप लैंड देते हो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है उसके बाद में लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज स्टोरेजिंग ऑफ एपी ख्यालो सर्विस एपी की डेफिनेशन बहुत क्लियर है ओके okay, हमने देख लिया ओके okay, तो लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज पैकिंग वेर हाउसिंग ऑफ एपी तो एग्जाम है सर एक सवाल है अगर मैंने यहाँ पे शुगर का लोडिंग अनलोडिंग करवाया तो टैक्सेबल है क्योंकि इट्स नॉट एपी पैकिंग का यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करवाया तो सॉरी uh, यहां पे शुगर शुगर का पैकिंग करवाया स्टोरेज करवाया वेयरहाउसिंग करवाया तो वो टैक्सेबल है शुगर हो पल्सेस हो या राइस हो ओके okay, ये केस में टैक्सेबल होगा सिर्फ़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ही बेनिफिट है उसके बाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस ध्यान सुनिएगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस मतलब रिसर्च सर्विस अगर रिसर्च सर्विस होगी तो वो केस में एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो वो एक एग्जाम है एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड यानी कृषि उत्पादन बाजार समिति आई रिपीट कृषि उत्पादन बाजार समिति की जो भी सर्विसेज एपी पे मिलती है ओके okay, यानी आप जो है समझ लो फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है या ग्रेन्स है और आप कृषि उत्पादन बाजार समिति में बेचने गए तो वहां जो जितनी भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे उसको यहां पे एग्जामेशन दिया हुआ है और कमीशन एजेंट ऑन सेल और परचेस ऑफ एपी जो वहां पे अड़तिया होते हैं कमीशन एजेंट होते हैं जो आपका एपी बेच के देते हैं तो उनके कमीशन क्यों ना वो करोड़स में कमा रहे हो एग्जाम क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको देख के एग्जम्पन नहीं दिया गवर्नमेंट ने फार्मर जो ये सर्विस देते हैं उसको देख के एग्जम्शन दिया क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बहुत से एग्जम्पन रिसिपियंट को देख के दिए जाते हैं तो वो सिचुएशन में यहाँ पे एग्जाम्शन मिलेगा उसके बाद में सर्विस बाय व फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस और एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस मतलब क्या फ्यूमिगेशन यानी वो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो यूज किए जा रहे हैं वेयर हाउस के अंदर एपी पे उसको भी एग्जम्पन दिया गया है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैंने साइड में डिफाइन किया है वो रिसर्च सर्विस होती है वो भी यहाँ पे एग्जम्पन में है तो देखो इतनी सारी सारी सर्विसेज एपी पे होगी तो एग्जम्पन मिल जाएगा चलो अब ये तो हमारा मेन एग्जाम्शन था एंट्री नंबर 54 ओके okay, जिसमें ये सर्विसेज का एग्जम्पन दिया है लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्शन जो इसमें नहीं आते हैं तो गवर्नमेंट ने अलग से दी है स्पेसिफिक सेक्टर को कौन सा तो ये देखो एग्जामेशन ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस अब ये एक्समिशन बहुत सी बार एग्जाम में आता है और इसके ऊपर एक सीबीआई चलिए तो यहां पे जहां तक देखा जाए इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस ना क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस ना ओके बहुत सी बार क्या होता है कि कल्टीवेशन uh, के केस में ध्यान से सुनिएगा ओके कल्टीवेशन के केस में यहां पे छोटे छोटे प्लांट्स निकाले जाते हैं इंटरमीडिएट प्रोसेस होनी चाहिए ओके okay, और छोटे छोटे प्लान निकाले जाते हैं वो उसको टेस्टिंग के लिए या उसके ऊपर कुछ प्रोसेस जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है ओके okay, या हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होता है तो वो प्लान निकाल कर ध्यान सुनना आपने निकाले बाहर भेजे और बाहर भेज कर वापस कल्टीवेट किए तो ये जो बाहर भेजे कोई प्रोसेस के लिए ये इंटरमीड प्रोसेस होने हो, हो गई और उसके बाद कल्टिवेट होना चाहिए तो फिर वो इंटरमीडिएट प्रोसेस को एग्जामेशन है जैसे एक सवाल पूछा गया था सीबीआईसी को और सीबीआईसी को यह सवाल पूछा गया था यहां पे कि पैड़ी और पैड़ी को हमने राइस के लिए भेजा राइस मिल में तो क्या जो राइस मिल हमें पैडी को राइस में कन्वर्ट करके दे रही है क्या उनकी इंटरमीडियरी प्रोसेस मानी जाएगी तो आंसर ही आया कि नहीं उनकी इंटरमीडियरी प्रोसेस नहीं मानी जाएगी क्योंकि पैडी बन चुका था और बनने के बाद वो राइस के लिए बनाने के लिए राइस मिल में गया और उसके बाद वापस कल्टीवेट नहीं हुआ सुनो वापस कल्टीवेट नहीं हुआ ओके okay, कि वो भाई वापस वापस आके कल्टीवेशन शुरू हो गया नहीं इसलिए ओके कन्वर्जन ऑफ ऑफ पैडी पैडी टू राइस राइस एंड डी इनटू ये ये जो है इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं मानी जाएगी और एग्जामेशन नहीं मिलेगा इससे ये हमें अप्रोच मिलता है कि इंटरमीडियट प्रोसेस कब बोली जाएगी तो इंटरमीडिएट प्रोसेस तब बोली जाएगी जब आपका सुनिए ध्यान से जब आपका जो है गुड कोई कल्टिवेशन से आने वाला ओके okay, प्लांट वगैरह जो होगा वो जाएगा

मतलब वो पेस्टिसाइड स्प्रे करना उसको फ्यूमिगेशन कहते हैं ओके okay, उसके बाद में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है बेटा तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड जैसे जब वो प्राइमरी मार्केट से बाहर आता है तो उसका वैक्सिंग किया जाता है प्री कूलिंग किया जाता है रैपनिंग किया जाता है ये एक्टिविटी हमारे मेन एक्समिशन में कवर नहीं है हमारे मेन एग्जाम्शन में जो फार्म में होने वाली एक्टिविटी कवर्ड है लेकिन ओके okay, ये जो फार्म के बाहर एक्टिविटी होती है स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल ये अंडरलाइन करना ओके okay, तो प्री कूलिंग रैपिंग वैक्सिंग रिटेल पैकिंग ये एक्टिविटी होती है तो उसको एग्जाम्शन दिया जाएगा उसके बाद में सर्विस ऑफ लोडिंग अनलोडिंग एंड वेर हाउसिंग पैकिंग ऑफ ऑफ राइस राइस मतलब क्या ओके राइस एपी नहीं है इसलिए ऊपर जो एग्जाम्शन में ये जो हमारा मेन एग्जाम्शन है इसमें जो लोडिंग अनलोडिंग वेरहाउसिंग को एग्जामेशन दिए गए हैं वो ओनली एपी को दिए गए हैं फिर ओके okay, यहाँ पूछा गया कि भाई राइस का क्या क्योंकि साउथ वाले नाराज हो गए राइस उनका मेन प्रोडक्ट है ओके okay, तो अब राइस एपी में आता नहीं है तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए फिर गवर्नमेंट ने यहां पे अलग से राइस को एग्जाम्शन दे दिया ये भी याद रखना कि राइस को लोडिंग अनलोडिंग और पैकिंग के लिए पर ये सिर्फ राइस को है शुगर को नहीं ये थोड़ा मुश्किल जाता है याद करने पर याद रखना पड़ेगा ये सिर्फ राइस को है अलग से एग्जाम्शन दिया गया है ओके okay, उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहां जहां तक देखा जाए तो आ, आ, एक आपको कह दू एग्जाम में एक सवाल आ सकता है यहाँ पे कमीशन एजेंट सर्विस ऑन राइस राइस पे कमीशन एजेंट का सर्विस है मैं आपसे आंसर चाहूंगा क्या कमीशन एजेंट टैक्सेबल होगा कि एग्जाम ऑन राइस ऑन राइस कमीशन एजेंट का सर्विस टैक्सेबल होगा या एग्जाम मैं आपसे आंसर चाहता हूं चा, चाहोगा बेटा यहां पे प्लीज आंसर बिल्कुल टैक्सेबल होगा क्यों क्योंकि पहली बात तो राइस वेरी गुड ओके पहली बात तो अगर देखिए तो राइस एपी है नहीं राइस को अलग से एक्सम्शन दिया और वो सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग वेयरहाउसिंग का दिया गया उसके बाद में नेक्स्ट बेटा सर्विस बाय माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओके वो आप गूगल सर्च कर लेना आपको वर्ड से नहीं समझा सकता हो पर आप उसके इमेजेस देख लेना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है और उसका वेराउजिंग होगा तो एग्जाम उसके बाद में एग्जाम के हिसाब से ये वाला एंट्री 24B वाला 24B वाला एंट्री एंट्री याद रखना बी बी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वेराउजिंग ऑन स्टोरेज मतलब ये एग्जामेशन सिर्फ वेराउजिंग और स्टोरेज को दिया गया है बाकी नहीं अब सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स नट्स वेजिटेबल स्पाइसेस कोपरा शुगर केन जैगरी फाइबर इंडिगो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको बिटल ल्यूज टेंडू लूज कॉफी एंड टी बड़ी लिस्ट है याद रखनी पड़ेगी ओके okay, अब जैसे मैं आपको बता दूं वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज अब ऊपर हमारे मेन एक्जामेशन में एंट्री नंबर 54 फोर में वेयरहाउसिंग और स्टोरेज ऑफ एपी तो कवर्ड है वेयर हाउसिंग और स्टोरेज ऑफ एपी कवर है तो फिर ये एग्जाम्शन कैसे तो ये एग्जाम्शन में थोड़ा रिपीटेशन है ओके okay, थोड़ा रिपीटेशन है जैसे ओके सीरियल्स बहुत सी सीरियल एपी होती है तो अगर बहुत सी सीरियल एपी होती है तो उसको एंट्री सीरियल नंबर 54 में मिल जाता है पर यहाँ दिया हुआ है चलो अच्छी बात है हमको दो दो जगह एग्जामेशन मिलेगा तो अच्छी क्या प्रॉब्लम है ओके okay, तो यहाँ कुछ रिपीटेशन है पहले ही बता दे रहा हूँ दूसरा पल्सेस हाँ कुछ पल्सेस एपी नहीं होती है कुछ होती है कुछ नहीं होती है ओके okay, तो जो पल्सेस एपी नहीं है ऊपर एग्जामिशन नहीं मिलेगा तो यहां उसको वेयर हाउसिंग को एग्जामिशन दिया है ओके नट्स फ्रूट्स नट्स वेजिटेबल्स ओके ये एपी तो ये एपी है वेजिटेबल्स एपी है ऊपर ही मिल जाना चाहिए पर चलो यहाँ पे भी दे दिया स्पाइसेस एपी नहीं है ओके okay, तो यहाँ एग्जामिशन है कोपरा शुगर केन जैगरी यहाँ अब देखो शुगर केन एपी है तो ऊपर ही मिल जाता है पर यहाँ पे भी है शुगर केन जैगरी एपी नहीं है फाइबर्स इंडिगो बेटल यूज़, टेंडुल यूज़, कॉफी एंड टी एग्जाम में आ सकता है कॉफी और टी पे कॉफी और टी जो है ल्यूज जोगे ल्यूज हो गए तो वो ए पी है ऊपर भी एग्जाम्शन यहाँ पे भी है लेकिन जस्ट कॉफी और टी पाउडर है तो वो ए पी नहीं है पर उसको यहाँ एग्जाम्शन दिया फॉर वेयरहाउसिंग एंड स्टोरेज तो बेटा यहाँ पे दोनों में जो है कॉमन रहेगे यहाँ पे भी कुछ ए पी दिया ऊपर भी दिया है एंट्री रिपीट की गई है पर वाटो इट में भी पर इसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स आते हैं जो ए पी नहीं है तो उनके वेयरहाउजिंग और स्टोरेज पर एग्जम्पन दिया गया और उसके बाद में सर्विस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेस अब मतलब क्या आपको ये बता दूं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन uh, मतलब लाइफ uh, स्टॉक में ऐसा होता है कि स्पम डोनर होते हैं ओके कोई अच्छे बुल का स्पम होता है ओके वो वो डोनेट किया जाता है तो उसके पैसा लिया जाता है तो ये जो है आ, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो वो सर्विसेज कोई देता होगा तो उसको भी एग्जिबन दिया गया है ओके okay, दूसरा बेटा फ्यूमिगेशन भी रिपीटेड एंट्री है ओके okay, फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस भी रिपीटेड एंट्री है तो चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ये सारी एंट्रीज हमने यहां पे दे, देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सारी एंट्रीज हमने देखी है ठीक है डन आई होप ये समझा होगा आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन चलिए अब बेटा दस मिनट का ब्रेक लेंगे दस मिनट में अगर पावर आ जाती है तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा अगर दस मिनट में पावर नहीं आती है क्योंकि जो बैकअप है मेरे पास अगर पावर नहीं आती है तो फिर बचा हुआ सेशन इवनिंग में साढ़े छः बजे होगा पहले कह रहा हूँ बचा हुआ सेशन इवनिंग में साढ़े छह बजे होगा जो सॉफ्टवेयर में भी होगा और यूट्यूब पे भी होगा लेकिन एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारा सेशन अब भी हो जाए क्योंकि मेरे लिए भी दो बार सेशन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे सब काम पेंडिंग रह जाते हैं ओके okay. पर मेरा कमिटमेंट है आपको अब हमारा सेशन डेली बेसिस पे कंप्लीट होगा ये मेरा कमिटमेंट है हम दस मिनट का वेट करेंगे वेराउसिंग ऑफ शुगर पे जीएसटी लगेगा बेटा क्योंकि कोई एग्जामेशन में नहीं आता है यहाँ पे ठीक है ओके यस यस और नो शुगर के वेयर हाउसिंग पे जीएसटी uh, आएगा उसको कोई एग्जामेशन नहीं है यस 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 टी और कॉफी पाउडर पे भी वेयर हाउसिंग का एग्जामेशन है उन्होंने टी कॉफी क्लियरली लिखा हुआ है चलो यहां रुकते हैं ब्रेक के बाद देखते हैं नहीं आया तो फिर इवनिंग में होगा